Hello everyone. First of all, I would like to thank all of you. आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने ये वेबिनार अटेंड किया है, आपने अपना टाइम कीमती निकाला है वेबिनार के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके टाइम का पूरा उपयोग करें, आपको पूरा अच्छा एक एक्सपीरियंस दें. ये वेबिनार उन सभी के लिए है जो ट्रेडर्स हैं, और उनके लिए भी है जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं. उनके लिए भी काफी कुछ इसमें है, जो छोटी छोटी बातें इसमें बताई जाएंगी वो सबके फायदे के लिए है. और वो ट्रेडर्स जो काफी मेहनत कर रहे हैं, अभी तक अपने ट्रेडिंग को सुधारा है, उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई किया है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं वो अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे हैं. तो ये वेबिनार उन सबको कुछ मदद कर सकता है अपना इक्विटी कर्व को नए एक आयाम पे लेके जाने के लिए, एक नया ऊंचाई पे जाने के लिए ये कारगर हो सकता है. और ये वेबिनार में कोई भी टेक्निकल स्टडी या स्ट्रेटेजी नहीं बताई जाएगी. ये सिर्फ एक साइकोलॉजी और हैबिट्स के ऊपर वेबिनार होगा. जो इस वेबिनार में काफी सारे वो सब चीजें के बारे में डिस्कस किया जाएगा जो हमको स्ट्रेटेजी से ज्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं. स्ट्रेटेजी हम लोग बात करते हैं कि कैसा करना चाहिए ट्रेडिंग वैसा, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने ऊपर कितना काम करते हैं, हम अपनी हैबिट्स पे कितना काम करते हैं, अपना वक्त कैसे बिताते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में. तो केतन भाई हमारे साथ हैं आज. नमस्ते केतन भाई. शुक्रिया हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और इस वेबिनार के लिए हाँ कहने के लिए. केतन भाई को हम 3 साल से जानते हैं, और केतन भाई को आप 3 साल से जानते हैं, और पिछले 6 महीने से हम काफी क्लोज रहे हैं, हम काफी वक्त साथ में बिताया है. तो उनका विजडम और उनका एक्सपीरियंस देखकर के हमको लगा कि क्यों ना ये विजडम और एक्सपीरियंस दुनिया के साथ शेयर किया जाए, उनको भी बताया जाए कि किस तरीके से एक साधारण इंसान अच्छा ट्रेडर बन सकता है, अच्छा इंसान बन सकता है, अच्छी जिंदगी बसर कर सकता है, शांति प्रिय जिंदगी बसर कर सकता है. इस वेबिनार जो हम लोग करते हैं इसका नाम कॉन्टैक्ट रखा है हमने, और ये वो हमारा पर्पस ये है कि जो भी ट्रेडर्स हैं, भले वो एल्गोरिथमिक ट्रेडर हो, मतलब रूल बेस्ड हो, या फिर डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स हो, वो लोग को जो चीज की जरूरत है, कहीं ना कहीं वो कहीं अटके हुए हैं. कुछ लोगों के पास जिनके पास एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, तो हम उन स्पीकर्स को बुला के यहाँ पे सबके सामने वो बोलते हैं, और वो अपना विजडम शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ताकि पूरे लोगों को उसका फायदा मिले. और ये वेबिनार हमेशा फ्री रहता है, मुफ्त है, कोई भी अटेंड कर सकता है, कहीं से भी अटेंड कर सकता है. और देखा जाए तो सारी चीजें जो अमूल्यवान चीजें हैं वो फ्री है, जैसे कि हवा है, पानी है, भगवान ने ये सब फ्री रखी है. तो हम ये वेबिनार को भी फ्री रखते हैं ताकि जो बहुत ही अच्छी चीजें हैं वो जनता को मिलती रहे. तो थोड़ा बहुत द्रव नीति के बारे में, हम लोग द्रव नीति में सिस्टम्स बनाते हैं बेस्ड ऑन रूल्स, और उनको डिप्लॉय करते हैं क्लाइंट्स के लिए, पार्टीज के लिए, जो हाई नेट इंडिविजुअल्स होते हैं या प्रोप्राइटरी डेस्क होते हैं, उन सब के लिए. और हम टाइम टू टाइम थोड़े सेमिनार्स करते रहते हैं,
हमारे वर्कशॉप्स होते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पे, पाइथन पे, एमी ब्रोकर पे, और सीएमटी भी हम सिखाते हैं, और ये कॉन्टेक्ट सीरीज करते हैं हम, और हम एल्गो कन्वेंशन करके एक एनुअल इवेंट है वो भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हम केतन भाई के पास जाएंगे, हम आपका टाइम और नहीं लेते हुए केतन भाई के तो पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कुछ सवाल। वेबिनार के एंड में हम आपके भी सवाल लेंगे, आपके जो भी सवाल हैं वो आप हमको चैट बॉक्स पर डाल सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा हम सवाल केतन भाई से पूछ सके आपके हम पूछेंगे। एक वेबिनार का वक्त करीब करीब 1 घंटे का है, तो 7:30 बजे तक या 7:30 सवा और या 7:45 बजे तक ये चलेगा। तो केतन भाई, पहले पहले हम जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग तो हमको सबको मालूम है क्या है, ठीक है, ट्रेडिंग कैसे करता है वो भी सबको मालूम है, मगर ट्रेडिंग आपकी नजर में क्या है, आप कैसे देखते हैं ट्रेडिंग को, आप कैसे सोचते हैं ट्रेडिंग के बारे में? शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने, और खासकर सोहित भाई मेरे दोस्त का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मंच दिया है, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है आप सबसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो टाइम आपने निकाला है उसकी कीमत में अदा कर सकूँ। और जैसे सोहित भाई ने बताया कि ये सेमिनार पर्टिकुलरली ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये सभी बिजनेसेस में और लाइफ में काम आने वाला ट्रेडिंग वेबिनार है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए ज्यादा यूजफुल है क्योंकि बहुत इन डेप्थ इसमें बताया गया है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हैबिट्स एक ट्रेडर की होनी चाहिए। और हम लोग सबसे पहले जैसे इन्होंने बताया कि ट्रेडिंग क्या है, वहां से चालू करते हैं कि क्या ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग मेरे हिसाब से एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। मतलब अगर आप कोई कौन कोई उछालते हो, कोई सिक्का उछालते हो, और सपोज आपने 10 बार सिक्का उछाला, तो उसमें से 7 बार कोई एक साइड आएगी, किंग आएगा या स्केल आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा टाइम तक, ज्यादा ज्यादा नंबर सिक्के के उछालते हो, सपोज आपने 1000 बार उछाला वो सिक्का, तो धीरे धीरे वो जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% के करीब आते जाएगी। तो ट्रेडिंग जो है वो एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अभी उसमें आपको आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अभी समझो कि आप अगर आपके ट्रेडिंग के रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी बिहेवियर पैटर्न और आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सपोज आप सर्टेन ट्रेड करते हो, 40% आपका सक्सेस रेशियो है या 45% है या 50% है, तो आपको उसमें से वो प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि क्या प्रोबेबिलिटी है मेरी। तो ये माइंड में रखना हमेशा जरूरी है कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इससे फायदा क्या होगा आपको कि सपोज आप कभी कभी ऐसा होगा एक साथ में कि आपके कई ट्रेड रॉन्ग जाएंगे, सपोज 10 ट्रेड, 12 ट्रेड, 15 ट्रेड आप काम कर रहे हो, रॉन्ग जा रहे हैं एक साथ में, लेकिन अगर बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में कहीं ना कहीं पे ये है कि ओके मेरी तो प्रोबेबिलिटी 50% है, तो एंड ऑफ द जब भी नंबर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वो 50% के आजू बाजू आने वाली है। मुझे याद है कि सोवित भाई की एक सिस्टम है जिसमें उन्होंने मुझे बताया था कि कंसिस्टेंट उनके 43 ट्रेड रॉन्ग गए थे कंसिस्टेंट, और उसके बावजूद वो सिस्टम सक्सेसफुल है। अभी जस्ट 1 महीने पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे कंटिन्यूस 12 ट्रेड रॉन्ग गए थे, तो फिर भी मैं कंटिन्यू ट्रेडिंग एकदम पीसफुली करता रहा क्योंकि मुझे मालूम था कि कहीं ना कहीं पे मेरा जो रेशियो है, प्रोबेबिलिटी है, वो मैच हो जाएगा और नेक्स्ट 2 या 3 ट्रेड में वो सब ट्रेड के लॉस कवर हो गए। तो कई लोग का मानना ये है कि ट्रेडिंग वो एक गैम्बलिंग है, लेकिन मैं ट्रेडिंग
ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करता हूं, क्योंकि गेमलिंग में क्या होता है, जो हाउस ओनर होते हैं, जो खिलाने वाले होते हैं, उनके फेवर में हमेशा परसेंटेज ज्यादा होते हैं जीतने के। अप्रोक्सीमेटली 53-54% आप कौन सा भी गेम ले लो गेमलिंग का, तो वो 53-54% उनके फेवर में रहते हैं। तो गेमलिंग में जीतने का चांस कम होता है, फिर भी बहुत गेमलर होते हैं जो कुछ ना कुछ रास्ते निकाल के अपना विनिंग रेट्स 50% के ऊपर लेके जाते हैं और सक्सेस होते हैं गेमलिंग में भी। लेकिन ट्रेडिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम, आप उसको बिजनेस बना सकते हो कैसे कि ट्रेडिंग में इवन आप 40-45% भी सक्सेस होते हो, फिर भी आप बहुत साइजेबल कमा सकते हो, और उससे कम सक्सेस होते हो फिर भी आप कमा सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है कि पॉल ट्यूडर जोन्स बोलता है कि इज अ वेरी लीजेंडरी ट्रेडर्स, बहुत नामी ट्रेडर है, वो बोलता है कि मैं 5:1 पे काम करता हूँ, मतलब उसका सक्सेस रेशियो है, वो अगर वो एक ट्रेड लेता है अगर उसको ₹1 का नुकसान जाएगा, लेकिन जब भी फायदा होगा तो ₹5 होगा। तो वो बोलता है अगर मैं 80% भी रॉन्ग जाता हूँ फिर भी मैं लॉस नहीं करता। सो ट्रेडिंग इज सच अ बिजनेस के आप उसमें अगर 30% भी राइट होते हो तो भी आप बहुत अच्छा साइजेबल प्रॉफिट कर सकते हो। और बाकी तो क्या है, अगर आपको कोई बिजनेस करना नहीं आता है सपोज, तो वो गेमलिंग हो जाएगी, और अगर गेमलिंग खेलना आता है तो बिजनेस हो जाएगा। और मैंने कई गेमलरों को देखा हुआ है कि वो अपना घर चलाते हैं गेमलिंग के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर आप इसको डिसिप्लिन से करते हो और अगर आप अच्छा अगर आपका मनी मैनेजमेंट पावरफुल है, तो ट्रेडिंग जैसा सेफेस्ट बिजनेस ये दुनिया में कोई नहीं है। और यही ट्रेडिंग की बात नहीं है सिर्फ, साथ में इन्वेस्टिंग भी आप इसमें जोड़ लो। और देखने जाए तो मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ दो चीज की जरूरत होती है, एक तो आपको कंप्यूटर चाहिए और वाईफाई चाहिए, आप दुनिया के किसी भी कोने से वो बिजनेस कर सकते हो। दूसरा, आपको उसमें कुछ ज्यादा इथिक्स तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा गलत करने की जरूरत नहीं, आप सब अपना इथिक मेंटेन करते वो काम कर सकते हो। तीसरी चीज ये है कि आपको उसमें कितना भी रुपये का माल लो, आपको कोई गोडाउन नहीं लगता है, एकदम हाई लिक्विड है, आप कभी भी चाहे आप उसको लिक्विड करके आपका पैसा वापस आप ले सकते हो। इम्पोर्टेंट चीज और भी है कि आप मंदी में भी कमा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप तेजी में ही कमाओ, बाकी सब बिजनेस में सिर्फ तेजी में कमाओ, जैसे अभी कोरोना। और टैक्स भी बहुत सिंपल है, उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है। और ये एक ही बिजनेस ऐसा है जिसमें आप एक भी शब्द बोले बिना, कुछ भी बोले बिना आप काम कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है ये बिजनेस की कि इवन कोरोना कैन नॉट स्टॉप दिस बिजनेस, कोरोना भी इसको रुका नहीं पाया एक मिनट के लिए, दुनिया के कोई भी एक्सचेंज रुके नहीं है, दुनिया का कोई भी बिजनेस रुका नहीं है, ऑन द कॉन्ट्रारी कोरोना में ज्यादा बढ़ा है ये बिजनेस। तो बेसिकली इट्स वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस जो है वो ये है। लेकिन किसी भी बिजनेस को करने से पहले दो तीन चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला तो जैसे हमने ट्रेडिंग के बारे में जाना कि क्या है ट्रेडिंग, तो क्या बिजनेस क्या है, वो किस तरह से स्ट्रक्चर करता है, उसे जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपको जानना है कि उसके रूल्स क्या है, उसके रेगुलेशंस क्या है, और उसके बाद में आपको जानना है कि आपके ओपोनेंट कौन है, आपके सामने कौन है, कितने ताकतवर लोग हैं। तो हम अभी जानते हैं कि ट्रेडिंग के रूल्स क्या है, तो ट्रेडिंग का एक ही रूल है, रूल ऑफ सर्वाइवल, जिंदा रहना है। आपको लंबे समय तक जिंदा रहना है, वो ट्रेडिंग का रूल है। मुझे एक बॉर्डर मूवी है उसका एक डायलॉग याद है कि जब सनी देओल अपने सोल्जर से कन्वर्सेशन करता रहता है, तो सोल्जर उनको बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए हम मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। तभी सनी देओल उसको एक बोलता है एक चीज याद रखना
किसी भी जंग में जीतने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम जिंदा रहोगे तो तुम जीतोगे। सेम ट्रेडिंग भी वही चीज है कि उसमें आपको जिंदा रहना है। और ट्रेडिंग और लिविंग में जीतने के लिए आपको दो चीज करनी पड़ेगी। एक तो आपको जीतने के लिए बाजी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप बाजी नहीं लगाएंगे तो आप जीतेंगे कैसे। तो दूसरी चीज आपको आपको जो कॉइन है आपके पास वो सब खर्च नहीं करना है। अगर आप सब कॉइन हार जाएंगे तो आप बाजी कैसे लगाएंगे। तो आपको जिंदा रहना है, आपको इस तरह से आपका पैसा मेंटेन करना है, मनी मैनेज करना है कि आप लंबे समय तक जिंदा रह सको। अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा कि कितने समय तक जिंदा रहना है, कि भाई लंबे समय मतलब कितना समय। तो नॉर्मली मेरे हिसाब से ट्रेडिंग जो है वो सबसे बड़ी मास्टर डिग्री है। भले आपको कोई इंस्टीट्यूट में सिखाई नहीं जाती है, लेकिन मैंने अच्छे अच्छे मास्टर को ट्रेडिंग में फेल होते हुए देखा है। कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कितने एमबी है, कितने साइंटिस्ट है, और बहुत बहुत कम परसेंटेज वाले डिग्री होल्डर होंगे, बहुत कम, वेरी फ्यू पॉइंट्स में आएंगे कि वो ट्रेडिंग में सक्सेस हो पाए रहे हैं। तो आप देखोगे कि किसी भी मास्टर डिग्री लेने से पहले कम से कम डिग्री लेने के लिए कम से कम 5 to 7 years, 5 to 7 years का टाइम चाहिए, कम से कम 5 to 7 years का टाइम चाहिए। डॉक्टरी ही रहता उससे भी चाहिए, बराबर है, फिर भी वो डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं यहाँ आके, लेकिन मिनिमम 5 to 7 years का टाइम चाहिए। तो ट्रेडिंग उससे भी बड़ी मास्टर डिग्री है। तो आपको कम से कम माइंड में यह रख के चलना है कि मुझे 5 to 7 years लगेंगे उसमें सेटल होने को और उसमें से सक्सेस मिलने को मिनिमम। फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितना डिसिप्लिन है, वो कैसे मनी मैनेज करता है, वो अपनी लाइफ में कौन सी आदतों को डालता है जो ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए जरूरी है, फिर उसके ऊपर डिपेंड। लेकिन ये मिनिमम है। तो अगर आप समझ लो कि अगर आप 5 to 7 years ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर सकते तो ट्रेडिंग मत करो, छोड़ दो। जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं ट्रेडिंग और फुल टाइम प्रोफेशनल बनाने चाहते हैं इसको, तो वो कैसे करें इसको? वो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ट्रेडिंग आपको फुल टाइम ही करना पड़ेगा। फिर भी अगर वो करना चाहते हैं तो उन्हें अपना मनी मैनेजमेंट और उन्हें टाइम स्लॉट नक्की करना है, क्योंकि वो कुछ लोग कर सकते हैं क्योंकि कुछ पीरियड में मूवमेंट होती है, समझो शुरुआत के आधे घंटे में मूवमेंट होती है, लास्ट 1 hour में मूवमेंट होती है मार्केट के अंदर। लेकिन रूल्स तो सेम ही है कि आपको 5 to 7 years तक तो मिनिमम वेट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी। अगर 5 to 7 years वो अपना कोई एल्स ढूंढ के रखे थोड़ा वो करे पार्ट टाइम इसको थोड़ा देकर के, फिर जब वो सक्सेस होने लगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि नहीं अभी मैं सर्वाइव हो सकूंगा। लेकिन उसके बाद में भी जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ के ट्रेडिंग में बैठ जाए और तुरंत, उसके बाद में भी और 2-3 years भी निकल सकते हैं। लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। अगर आप ये मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो ट्रेडिंग छोड़ दो। आपका पैसा, आपकी एनर्जी, आपका मेंटल हेल्थ और आपका फिजिकल हेल्थ को बचा लो। अगर आप 5 to 7 years तक सर्वाइव नहीं कर सकते हो और तो मिनिमम है, उसके आगे भी करना है। तो बेसिकली ये रूल्स ऑफ ट्रेडिंग है, टाइमिंग ऑफ ट्रेडिंग है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग सिर्फ है ना वो आपका कैरेक्टर बताता नहीं है कि आप किस कैरेक्टर के आदमी हो, वो उसे बिल्ड भी करता है, वो बनाता भी है। अगर आप लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिके रहो तो ये बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस है जो आपके करेक्टर को बिल्ड करता है। लेकिन एक ही उसमें शर्त है कि आपको लंबे समय तक टिकना पड़ेगा। और अभी हमारे ओपोनेंट कौन है हमको जानना है, क्योंकि जब हम अखाड़े में उतरते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि सामने हमारा पहलवान कितना शक्तिशाली है, हमारा पहलवान कौन है हमारा, और हमारी शक्ति क्या है, याद दिखता नहीं है कौन है सामने। हाँ हाँ, फिर भी हमें जानना जरूरी है क्योंकि हमारे सामने कौन कौन है। बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, FII है, बड़े ट्रेडर्स है,
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, मार्केट मेकर्स हैं, ये सब हमारे ओपोनेंट हैं। और दूसरी चीज हम लोगों के माइंड में क्या है, आप थोड़ा सा अगर डीप सोचोगे तो आप देखोगे कि एक्चुअली जो पैसा हमको बनाना है ना, वो मार्केट से नहीं बनाना है। हमको जो पैसा बनाना है वो इनके पॉकेट से बनाना है, क्योंकि हमको उनका प्रॉफिट कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा। सामने रिटेलर्स तो वैसे ही है, वैसे तो सामने वाले तो वैसे ही हारने वाले हैं। अभी हम लोग जो पोर्शन जीतेंगे वो इनके पॉकेट से आएगा, तो हमको मार्केट से नहीं, इनके पॉकेट से पैसा कमाना है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये सामने हमारे कितने दुरंधर ओपोनेंट है, लेकिन उसमें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हम लोग जीत ही नहीं पाएंगे इनके सामने। और क्या है, ये कितने, इनकी ताकत कितनी है, इनके पास एक तो मनी पावर है, इनके पास अच्छे से अच्छे ब्रेन है, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये हाईली इन्फ्लुएंस्ड पीपल है, उनके कॉन्टेक्स्ट बहुत ऊपर तक है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने अर्षद मेहता की सीरीज में देखा, तो वो चाहे तो कुछ दिनों तक मार्केट भी बंद रखवा सकते हैं, वो चाहे तो आपके टर्मिनल में पड़े सौदे भी डिलीट करवा सकते हैं, तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सबसे हमें लड़ना है और ये सबसे हमें जीतना है, और जीत सकते हैं, क्योंकि अगर आदमी चाहे तो जंगली से जंगली हाथी को भी वो काबू कर सकता है, वो तो डिफिकल्ट नहीं है वो इतना। लेकिन उसके लिए हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कुछ अपनी हैबिट्स बनानी पड़ेगी, कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा मनी वाइज और वो सब वाइज। सो दिस इज व्हाट द ट्रेडिंग ऑल अबाउट। हमने देखा ट्रेडिंग क्या है, उसके रूल्स क्या है, और हमारे ओपोनेंट। तो हम लोग करते क्या है एग्जैक्टली? हम लोग को ज्यादा लगता है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, एक अकाउंट खोलना है, ब्रोकर के यहाँ पे फोन पे ऑर्डर देना है, या फिर टर्मिनल पे जाकर के ऑर्डर पंच करना है और ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। तो क्या ट्रेडिंग इतनी आसान है, क्या कैसे करना है? नहीं, जैसे मैंने बताया कि मास्टर डिग्री है, पांच सात साल तो मिनिमम लगेगा आपको, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम करते क्या है बेसिकली, ये तो आपने बताया एकदम नोवाइस ट्रेडर की, मतलब जो एकदम शुरू में करते हैं, और ये लोग बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स टिके हुए हैं, मतलब जो जिन्होंने दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, सात साल निकाला है, और फिर भी कहीं ना कहीं पे जाके वो सेटिस्फाइड नहीं है कि उनकी जो क्षमता है वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे उनके, और वो मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जाके वो जो उनको डिजायर्ड है कि ये रिजल्ट आने चाहिए, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि क्या करते हैं हम कि सक्सेस में पाने के लिए हम हमारा नॉलेज इकट्ठा करते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम वेबिनार अटेंड करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, स्टडीज करते हैं, सब चार्ट्स करते हैं, ये जरूरी है, मतलब बिना इसके आप सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन ये सक्सेस का बहुत छोटा पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम नॉलेज बढ़ाते हैं। जैसे हमारा नॉलेज बढ़ा, हमें होता है कि नहीं चलो अभी हमारा नॉलेज बढ़ा, हमने मेहनत की, तो अभी हमारा रिजल्ट भी अच्छा होगा। लेकिन रिजल्ट वही का वही है, इतना इम्प्रूव नहीं होता है। तो जो गैप है हमारा एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का, वो बढ़ते जाता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग, कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप गलत प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गलत हैबिट बनेगी, फिर उसको तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो आपको राइट मुश्किल हो जाएगा, तो आपको पूरी जर्नी वापस करनी होती है वो। तो राइट प्रैक्टिस करनी है तो पहले समझना है हमको कि ट्रेडिंग है, मेरे हिसाब से और मैंने बहुत और मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद भी कि ट्रेडिंग है वो कम से कम 80% साइकोलॉजिकल है, 80% साइकोलॉजी पे चलती है, 10% ही है
जो आपकी टेक्निक उसमें काम आती है, जैसे आपने पैटर्न अपने ढूंढी है कि ये पैटर्न चलती है, आप कोई स्टडीज पे काम कर रहे हो, RSI ROC वगैरह जो भी, या कोई फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हो, जो टेक्निक्स आपकी जो एजिस है मतलब वो सिर्फ उसका 10% हिस्सा है। 10% हिस्सा जो है वो है मनी मैनेजमेंट आपका, कि कैसे आप अपने फाइनेंस को और कैसे आप अपने मनी को मैनेज कर सर्वाइव करना है बराबर है। तो वो बेसिकली 10% पार्ट है और बाकी तो 80% वो साइकोलॉजी। तो जैसे आप हमें ये 20% के बारे में बताएंगे तो हाँ पक्का, जैसे मैंने बताया आपको अभी के हम को प्रॉब्लम क्या है हमारा, कि हम लोग 80% काम करते हैं जो 20% पार्ट है उसके ऊपर, और 20% काम करते हैं जो 80% पार्ट है उसके ऊपर। जैसे गालिब ने कहा है कि ता उम्र गालिब एक भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता। तो हम क्या करते हैं कि हम जहां पे काम करना चाहिए और जितना काम करना चाहिए उतना काम हम नहीं करते। तो अभी तक हमने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, अभी आपने जैसे पूछा कि कैसे काम करना चाहिए 20% के ऊपर, तो हम सबसे पहले 20% की बात करते हैं, जिसके अंदर आता है हमारे एजिस मतलब हमारी पैटर्न्स है और हमारा मनी मैनेजमेंट और कुछ टेक्निक जो 20% में हमको काम आती है। मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बुकें पढ़ी है और मुझे सबसे बढ़िया बुक जो लगी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, जो भी ट्रेडर्स है उसको जरूर ये बुक पढ़नी चाहिए, वो मार्क डगलस की एक बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, जो बहुत ही बढ़िया बुक है। उसमें आपको क्या करना चाहिए कि आपको सबसे पहले तो आपके एंट्री और एग्जिट के रूल्स जो है, मतलब कि आपकी जो एज है, आपके जो पैटर्न्स है, उसको आपको एकदम प्रॉपरली डिफाइन करना है कि ये पैटर्न होगी तो मैं मार्केट में एंटर करूंगा, ये पैटर्न होगी तो मैं मार्केट से एग्जिट करूंगा। या तो टोटल एग्जैक्टली आपको पहले एक पेपर पे लिखना है कि मैं कितनी पैटर्न पे काम कर रहा हूँ। सपोज एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे काम कर रहे हो आप, या फिर आप RSI पे काम कर रहे हो, ROC पे काम कर रहे हो, स्टोकास्टिक पे काम कर रहे हो, आपको एग्जैक्टली माइन्यूटली एग्जैक्ट लिखना है कि कितनी पैटर्न पे आप कंफर्टेबल हो काम करने और क्या क्या पैटर्न मार्केट में बनेगी तो आप मार्केट के अंदर एंटर होंगे। आपके एंट्री और एग्जिट के रूल एकदम स्पेसिफिक होने चाहिए, जैसे आपके यूनिवर्स भी स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ, जैसे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही काम करना है, एग्जैक्टली आपको सिर्फ FNO स्टॉक्स पे काम करना है, एग्जैक्टली ऑप्शन पे, एग्जैक्टली। और जितना आपका यूनिवर्स कम होगा उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा। मैंने देखा है जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स है उसका यूनिवर्स बहुत कम होता है, वो मैक्सिमम 5-7 या 10 चीज में काम करते हैं, और कोई कोई तो सिर्फ एक ही चीज में काम करता है फिर भी उसका सक्सेस रेशियो बहुत हाई होता है। तो जितना आपका यूनिवर्स कम होगा उतना आप सक्सेसफुल ज्यादा होंगे। और आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको मालूम होना चाहिए इसकी कॉस्ट क्या होगी। मुझे समझो आपने कोई ट्रेड लेने से पहले आपको नक्की करना है कि ये मुझे कितने में पड़ेगा। भाई आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो देखते हो भाई कितने में पड़ेगी मुझे, तो लेते हो नहीं तो नहीं लेते हो, नहीं लेते हो भाई। तो आपको सबसे पहले तय करना है कि भाई ये चीज ये ट्रेड मुझे कितने में पड़ेगा। आपने तय किया उससे ज्यादा पैसा देना नहीं है उसको, उतना ही पैसा देना है जो आपने तय किया है। वो तो ये जो है वो प्राइस के बेस पे है या फिर रिस्क के बेस पे? नहीं, अभी वो चीज क्या है कि वो आपको आपकी लिवरेज जो है वो आपको पहले से डिफाइन करनी है। मतलब लिवरेज मतलब क्या कि सपोज आपने 5 लाख रुपए समझो साइड में रखे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, आपने नक्की किया कि भाई मैं 5 लाख रुपए साइड में रखे मैं ट्रेडिंग करूंगा उसमें। तो जो इनिशियल बिगेनर है और जिसको अभी तक थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि नहीं चलो अभी ट्रेडिंग में बराबर कर सकता हूँ या मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो थोड़े नियर डियर उसके नजदीक के मिल रहे हैं सपोज, तो उनको एक ट्रेड में 2,500 से ज्यादा रिस्क नहीं लेना, 0.5% आधे टक्के से।
उससे ज्यादा रिस्क लेना नहीं है, मतलब उसका प्राइस कितना भी हो, कितना भी रिस्क के बेसिस पे हाँ वो अपना कैपिटल का आधे टके के ऊपर नहीं लगा, नहीं लेना है। और दूसरी चीज की जो थोड़े सालों से कर रहे हैं, जो तो कंफर्टेबल है, वो 1% तक का रिस्क ले सकते। अच्छा, मतलब सपोज आपने 5 लाख रुपए साइड में रखे हुए हैं तो आप 5,000 का रिस्क ले सकते हैं। और आप पोजीशन साइज, मतलब आप कितने रुपीस का ट्रेड कर सकते हो, तो सपोज 5 लाख रुपए आपने साइड में रखे हैं तो आप मैक्सिमम 7.5 लाख से ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना, आपकी पोजीशन है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, आपका रिस्क 5,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा। और आपका साइज जो है 7.5 लाख से ऊपर नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि आप जो ट्रेड करो उसके डिटेल रिकॉर्ड आपको रखने हैं। और कैसे रखने हैं वो मैंने मार्क डगलस की बुक से सीखा और मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे बहुत फायदा हुआ है उससे। अच्छा। वो कैसे रखना चाहिए आपको कि एक सेट बनाओ 20-20 ट्रेड के, 20 ट्रेड तक कुछ सोचो ही मत, प्रॉफिट क्या हुआ लॉस क्या हुआ, बस जो आपने डिफाइन किया है एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट उसके ऊपर काम करते रहो। अच्छा। काम करते रहो 20 ट्रेड के बाद में देखो आप भाई आपके 20 ट्रेड में से पहले तो आप देखो कि उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आई, कितने परसेंट आप सक्सेस हुए। आप देखो कि 20 ट्रेड में से 8 ट्रेड सक्सेस हुए तो 40% आप प्रोबेबिलिटी आई। मेरी खुद की प्रोबेबिलिटी 45% से ज्यादा नहीं, मैं 45% से ज्यादा सक्सेस नहीं, लेकिन ट्रेडिंग में अगर आप 40-45% भी सक्सेस हो तो भी साल का 50% से ज्यादा पैसा बना सकते, 40-45% भी इनफ है सक्सेस के लिए। तो बेसिकली आपको 20-20 ट्रेड के रिकॉर्ड बनाने हैं, फिर आपको हर 20 ट्रेड के बाद में एनालाइज करना है कि मेरा हाईएस्ट लॉस वाला ट्रेड कौन सा है। तो आप देखो कि हाईएस्ट लॉस वाला ट्रेड कौन सा है, तो मैंने बराबर किया था, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि ये मैं कंटिन्यू करूँ। तो जब आप 5, 7, 10 सेट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हाईएस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड कौन सा है, हाईएस्ट लॉस वाला ट्रेड कौन सा है, तो आप देखेंगे कि ये चीज चल रही है, 10 में से 7 बार चल रही है, 8 बार चल रही है, तो आगे जाके आप उसमें आपकी पोजीशन बढ़ा सकते हो। फिर आप देखेंगे कि यार 10 में से 8 बार तो ये चीज नहीं चल रही है, तो आप उसको निकाल सकते हो या उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। तो 20-20 ट्रेड के रिकॉर्ड बनाओ, उसके बाद में हर बीच में आपको आपके जो रूल बनाए हैं पहले आपने एंट्री एग्जिट के बीच में आपको कुछ नहीं करना है। और ये 20 का नंबर, 20 का नंबर का रीजन क्या है कि अगर समझो कि कम लेंगे, सपोज के 10 ट्रेड लेंगे तो उसमें क्या होगा, 6-7 ट्रेड होंगे तो आप थोड़ा अपसेट हो जाएंगे। 20 एक साइज इतनी है। अभी कोई कोई क्या होता है कि समझो 2-3 दिन में 1 ट्रेड लेता है, कोई वीक में 1 ट्रेड लेता है, तो उतना लंबा भी नहीं जाना पड़े उसको अपना रिकॉर्ड एनालाइज करने को। और कम इसके लिए नहीं कि उससे कम रहेगा तो क्या है आपका थोड़ा लॉस होगा तो आप तुरंत ही उसमें अपसेट हो जाएंगे, इफेक्ट उसका कम हो जाएगा उसका। तो बेसिकली 20-20 ट्रेड इम्पोर्टेंट इसके लिए है कि आपके सपोज मैंने जैसे बताया लास्ट मंथ मेरे 20 में से 12 ट्रेड कंटिन्यूस रोंग गए थे, ओके, तो आप उसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपको मालूम है कि आपका लॉन्गर टर्म में अंदर समझो मेरा 45% का अगर मेरा प्रोबेबिलिटी है तो 45 आने वाला ही है, अगर मैं 1,000 ट्रेड करूंगा तो उसमें 45-450 ट्रेड में मैं सक्सेस होऊंगा ही। बीच बीच में ऐसा हो सकता है 10 बार 20 बार भी मैं रोंग, जैसे आपकी सिस्टम में होगा 43 ट्रेड रोंग हुए थे वो ट्रेड ने अल्टीमेटली प्रॉफिट किया था, बराबर है। तो ये चीजें मेंटेन करने से फायदा क्या होगा आपको कि आप के ऊपर ट्रेडिंग का लॉस अफेक्ट नहीं करेगा। ये जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग ये सॉल्यूशन बता रहे हैं, वो सॉल्यूशन इसके लिए है अपने माइंड को बैलेंस करने। आप इस तरह से काम करेंगे तो क्या होगा, आपका माइंड एक ईज होगा और आपका माइंड जितना ईज होगा उतना आप प्रॉफिट करोगे। तो बेसिकली हम लोगों को जो 80% काम करना है अल्टीमेटली वो वही है साइकोलॉजी, और वो साइकोलॉजी में क्या है, सिर्फ माइंड पे काम करना है। और जितना माइंड आपका शांत रहेगा, तो ये टेक्निक है कि आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, आप भी स्ट्रेट कर रहे हो बीच में आपको सोचना ही नहीं है, कुछ भी करते रहो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। ये तो हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, 2 ट्रेडों को हम देखते हैं यार मेरी टेक्निक में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मुझे कुछ सुधारनी चाहिए क्या। लेकिन हम लोग जाता है हाँ। तो ये हम लोग को ये इसमें एडवांटेज क्या होगा कि आप 20 ट्रेड तक काम करते रहो
और फिर आप रिजल्ट देखो, तो बीच में आपको फियर नहीं आएगा, दृढ़ नहीं, आप करते रहे काम करते रहे, कभी 5 सक्सेस भी आपको मालूम है कि 5 फेल भी हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा होल्ड करूँ भाई, मैं उसको डबल नहीं करूँ, शांति से करता रहूँ, जो काम करता हूँ करता रहूँ। तो अभी हमने ये जो 20% पार्ट था ट्रेडिंग का, जो जिसमें आप बोलते हैं आपकी एज और मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, वो देखा। अभी हम आप अभी हम बात करेंगे जो रिमेनिंग 80% पार्ट है, जिसमें हमको करना क्या है बेसिकली। 80% पार्ट साइकोलॉजी मतलब है क्या, साइकोलॉजी मतलब क्या है कि हमको अपने माइंड को इस तरह से कल्टीवेट करना, इस तरह से बनाना है कि हम कौन सी भी ट्रेडिंग सिचुएशन में शांत रह सके और जो मार्केट पिक्चर दिखा रहा है वो हम देख सके। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो हम हैबिट बनाएंगे, जिससे हमको माइंड के ऊपर काम करने में थोड़ी आसानी हो। जैसे कि वो छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम माइंड पे काम करते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें हमें मालूम भी नहीं होती, जो हमें डिस्टर्ब करती है, हम अवेयर भी नहीं होते हैं। तो आप देखना कि छोटी चीजों का इंपॉर्टेंस लाइफ में कितना बड़ा है, कि एक छोटा सा होल भी बड़े से बड़े जहाज को डुबाने में काफी होता है। अगर समझो डुबा भी नहीं देता है तो कम से कम उसकी स्पीड तो कम कर देता है। और छोटी छोटी चीजों से आदमी परफेक्ट बनता है, लेकिन परफेक्शन को छोटी चीज नहीं। तो आप देख, तो उसके लिए हमको क्या करना है, सपोज कि कैसे हमारे माइंड को और कैसे कौन सी हैबिट्स हमको लाइफ में कल्टीवेट करनी है जिससे हम जीत सके। सबसे पहले जीतने की हैबिट, जीतना है ना सबको, तो जीतने की हैबिट बढ़ानी है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई बड़ी टूर्नामेंट होती है, समझो कि वर्ल्ड कप है इंडिया का, तो इंडिया क्या करती है कोई बड़ी टूर्नामेंट के पहले कोई वीकर टीम से है ना एक सीरीज रखती है, समझो बांग्लादेश से सीरीज रखती है, हम लोग जीत गए तो क्या हो गया, हमारी जीतने की हैबिट चालू हो गई, जीतने की श्रृंखला चालू हो गई, जीतने का सिलसिला चालू हुआ। तो वो ट्राई कर रहे हैं कि जीतने की हैबिट बनाए इसके अंदर। तो सेम चीज अगर हमें लाइफ में कहां भी जीतना है तो हमें जीतने की हैबिट बनानी है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हारने की हैबिट से चालू करते हैं, बराबर। हम लोग क्या करते हैं हारने की हैबिट से, कैसे हारने की हैबिट से चालू करते हैं, कि सुबह सुबह में 6 बजे का अलार्म रखा है, हमने बंद कर दिया नींद में, हमने हारना चालू कर दिया। फिर हमने सोचा था चलो हम उठ के एक्सरसाइज करेंगे, उठा हम लोग, उठ भी गए सब, तो 6 की जगह 6:15 को उठे, 6:30 को उठे, देखा बारिश आ रही है बाहर, ठंडी बहुत है, सो गए वापस, वापस हमने हारना चालू कर दिया। तो दिन में छोटी छोटी कितनी चीजें हैं जिसमें हम हार के चले जाते हैं। आपने किससे कमिटमेंट कर लिया, टाइम का कमिटमेंट, मैं आता हूँ इतने बजे पहुंचूंगा, नहीं पहुंचते, आपने हार आप हार रहे हो। और कोई चीज का कमिटमेंट किया, किसी काम का, कि मैं कल करूंगा, आप नहीं करते हो, आप हार रहे हो। आपका वाइफ का फोन आया, आपने बोला मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ, आपको मालूम है 1 घंटे में भी नहीं पहुंचने वाले, बराबर है, तो फिर भी आप बोलते हो आधे घंटे में पहुंच। तो ये सब चीजें आप पर्पसली नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं भले आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड कर रहा है, आपका हारने का सिलसिला चालू है, आप हार रहे हो बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे। तो जब तक आप जीतने की श्रृंखला नहीं बनाएंगे, जब तक आप जीतने का सिलसिला नहीं बनाएंगे, आप सुबह उठते ही आप जीतना चालू करो, उठना है। अच्छा समझो, कभी कभी आपको ऐसा होता है कि नहीं, आपको 15 मिनट सोने को अच्छा लगता है अलार्म बजने के बाद में, तो आप नक्की करो मैं 5:45 उठूंगा, 15 मिनट सोऊंगा, फिर उठूंगा वापस, ये नक्की करके सो। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जीतने की
सिलसिला, हर छोटी चीज में किसी से कमिटमेंट दो, 10 बार सोचो मत दो, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है हमारे वर्ड के पावर क्या है, हम कितने पावरफुल चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों में, जरूरी नहीं है हम कर सकते आसानी से उसने बोल के, हाँ मतलब हमको मालूम भी नहीं है, पर्पस नहीं है हमारा झूठ बोलना, लेकिन हम अपने पावर को तोड़ रहे हैं अनजाने में। आप देखेंगे पुराने जमाने में एक अपना सत्यक्रिया हुआ करती थी, तो सत्यक्रिया मतलब क्या था कि मैं अगर समझो कि कोई बीमार है घर में, सपोज मेरी माँ बीमार है, तो मैं उसके सामने बैठ के हाथ जोड़ के सत्यक्रिया करता था कि मैं अगर 10 साल तक मैंने कोई झूठ नहीं बोला है तो मेरी माँ ठीक हो जाए। तो ये पुराने जमाने में ये हुआ करती थी और वो ठीक भी हुआ करते थे वैसे, तो ये पावर है वर्ड का और हम लोग उसको तोड़ रहे हैं। तो ये एक हैबिट है हम लोगों को जो डेवलप करनी है, हमारे कमिटमेंट और हमारे जो भी हम बोल रहे हैं उसको पालन करना है। जैसे मैंने एक बुक में पढ़ा था स्वामी विवेकानंद की एक बुक थी, उसमें एग्जैक्ट ईयर नहीं मुझे मालूम है कितने साल था, लेकिन उन्होंने बताया था कि कोई आदमी अगर 10 साल तक जो बोलेगा वो करता है और झूठ नहीं बोलता है तो वो जो बोलेगा वो हो जाएगा, उतने वो वर्ड के पावर है, वर्ड में उतने सारे पावर है। तो जैसे पुराने जमाने में हम देखते थे कि श्राप से डर लगता था हमको कि किसी ने बोल दिया श्राप दे दिया, अब तो हर छोटी बात खाते तोड़ देते, और अब जैसे किसी ने हमको आशीर्वाद, हम लोग बोलते थे कि आशीर्वाद लेना है उनका, तो आशीर्वाद मतलब क्या, बोलते थे सुखी हो जाओ, सुखी हो जाएंगे हम लोग होते थे, क्योंकि उसके वर्ड में वो पावर है, उसकी ताकत है। तो ये वर्ड की एक ताकत है जिसको हमें डेवलप करना है धीरे धीरे करके, हमको होश में आना है, जब भी किससे फोन पे बात करे कोई कमिटमेंट करे सोच समझ के करना है, गलत नहीं करना है, किससे भी करे, बच्चे को बोलते हैं कि एक खिलौना मैं कल लेके आऊंगा, हम लोग भूल जाते हैं, बहुत सोच समझ के कमिटमेंट करना है। तो ये सबसे पहली चीज लाइफ में जरूरी है कि आप जो बोलो वो करो, आप कितने तो बोलो बोलो ही मत, सोच समझ के बोलो, क्योंकि ये पावरफुल चीज है जो हम इससे अनजान है, और ये हैबिट को डेवलप करना है हमको, तो ही हमारा पावर बढ़ेगा, तो ही हमारा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अभी दूसरी चीज है इम्पोर्टेंट, वो है कि हम मार्जिन नहीं रखते, मतलब अगर कोई गलती होती है हमारे साथ हमारे सामने तो एक जिसको हम लोग बोलते हैं एक मार्जिन ऑफ एरर। सपोज कार ड्राइव कर रहे हो, बराबर है, तो अपने एक डिस्टेंस पे गाड़ी चला रहे हो, आगे भी डिस्टेंस है साइड में भी डिस्टेंस है, तो कभी कभी आपसे गलती होती है, ब्रेक थोड़ी आगे पीछे लगती है, गाड़ी थोड़ी नजदीक आ जाती है, साइड में भी थोड़ा स्टीयरिंग इधर उधर होता है, एक्सीडेंट से बचते हो, क्यों बचते हो, क्योंकि आपने मार्जिन रखा है, किसी और की भी गलती हो जाए फिर भी आप बचते हो, क्यों बचते हो, क्योंकि आपने मार्जिन रखा है, और आपने जितना ज्यादा मार्जिन रखा है उतना मेंटल पीस पे हो। अगर दो कार के बीच का डिस्टेंस अच्छा रीजनेबल है तो आप गाड़ी चलाने में एंजॉय करेंगे, आप आजू बाजू के नजारे भी देख सकेंगे, नहीं तो क्या आप इतने स्ट्रेस में रहेंगे, नजदीक मार्जिन ही नहीं है सपोज आपकी लाइफ में। तो हम लोगों को क्या करना है कि हर जगह पे ये मार्जिन क्रिएट करना है, सिर्फ छोटी छोटी चीजों में नहीं। अभी देखो आप कुछ कुछ चीजों में करते हो क्रिएट, जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो अनजाने में कर रहे हो आप, फिर आप समझो आपको कोई फ्लाइट पकड़नी है तो आप बराबर मार्जिन करते हो कि भाई मैं आधा घंटा पहले निकलूंगा, ट्रैफिक जाम लगेगा तो सपोज क्या, उसका भी मार्जिन रखते हो, तो आप आराम से जाते हो, आप आराम से पहुंचते हो, आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं होता है। तो मार्जिन क्या काम करता है तभी कि आपके माइंड को शांत रखने का, अगर लेट निकलते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है, फिर आप आजू बाजू आप सिर्फ आगे देखते हो वो गाड़ी बीच में आ गई, ये आ गया वो आ गया, तो आपका माइंड का स्ट्रेस ढूंढ देना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको माइंड को शांत रखने के लिए मार्जिन का उपयोग करना है हर जगह पे। जैसे कि आप सुबह उठे तो आपको मालूम है कि मुझे उठने से लेके नहाने में, नाश्ता करने में, ट्रेन पकड़ने में, ऑफिस पहुंचने में, या गाड़ी से ऑफिस पहुंचने में, जो भी है एक सर्टेन पीरियड का टाइम लगता है, समझो 1.5 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, लेकिन आप क्या आपका हमेशा आदत है कि आप 1.5 घंटा है तो आप एग्जैक्ट टाइम रखते हो,
उससे भी कम रहता है, सवा घंटा। फिर क्या रहता है कि आप उठते लेट हो, फिर किसी चीज में देर हो जाती है, ट्रैफिक जाम, तो आप स्ट्रेस हो जाते हो, आप अपसेट हो जाते हो। तो आपने शुरू शुरू में ही आपकी सब एनर्जी खत्म कर दी। आप भागते हो हर चीज में, अभी आप नहाते हो तो आपको नाश्ता का माइंड में ख्याल होता है, नाश्ता करते हो तो ट्रेन पकड़ना है उसका ख्याल होता है, वो पकड़ते हो तो जल्दी जल्दी लेट हो गया पहुंचना, तो आप कभी भी बॉस का ख्याल होता है, आप ईज पे नहीं होते हो, आप रिलैक्स नहीं होते हो, आप हमेशा आपका माइंड डिस्टर्ब होता है और आप ईज पे नहीं होते हो। और आप ये कंडीशन में अगर आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आप फेल हो जाए। आपको मार्जिन रखना है हर चीज में, ताकि कहीं पे भी कोई आगे पीछे हो जाए तो आपका दूसरी चीज का मार्जिन उसको कवर कर सके, और आप हमेशा ईज पे रह सको। मैंने कुछ लोगों को देखा है इसका बहुत अच्छी तरह उपयोग करते हैं, जैसे वन ऑफ द माय फेवरेट पर्सन है सदगुरु है, जिसको मैं जिसके मैं वीडियो बहुत सुनता हूँ, तो और एक है मात्रिया करके है, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर है, जो भी मुझे पसंद है जिसके वीडियोस में बहुत सुनता हूँ। उसका उनका एक खासियत है, उन लोगों का कई सालों से उन्होंने एक रूल बनाया है, उनके जो सेमिनार होते हैं उसमें अगर कोई भी आदमी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, अगर वो एक मिनट भी लेट आता है तो उसके लिए दरवाजा बंद है, कितने भी चाहे दूर से आता हो। तो कभी कभी वो ये लोग जो है ना, वो एक एक महीने में 20-20, 30-30 कंट्री में सेमिनार करते हैं। आप सोचो एक भी मिनट देरी नहीं तो कैसे मैनेज करते हैं? उनको भी ट्रैफिक जाम लगता है, उनको भी फ्लाइट डिलेज लगती है, कैसे मैनेज करते हैं? वो मार्जिन रखते हैं, वो हर जगह पे मार्जिन रखते हैं। और अब देखो आप कितने आराम से वो, आप देखो वो एकदम ईज में वो अपना स्पीच देते रहते हैं। तो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी में आपको ये चीज है कि आपको हर चीज, जो हम चीज कर रहे हैं वो सबका कहीं ना कहीं पे इफेक्ट है वो माइंड को शांत रखने में और माइंड का पावर बढ़ाने में। क्योंकि जैसे हमने बताया कि ट्रेडिंग 80% माइंड गेम है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे माइंड का पावर बढ़े और कैसे माइंड शांत हो सके और कैसे माइंड शांत रह सके, क्या क्या चीज हम करें जिससे माइंड शांत रह सके। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमको टाइम देना है अपने हेल्थ को, हमारे शरीर को। पुराने जमाने में तो शरीर के सुख को सबसे पहला सुख, अभी भी पहला ही सुख है। अगर आपके बॉडी में कहीं भी पेन है, अगर आपका बॉडी मतलब मजा नहीं है, तो आप किसी भी चीज में आपका मन नहीं लग रहा, चाहे आप मर्सिडीज में बैठे हो, कितने भी बड़े बंगले में रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके पास शरीर का सुख नहीं है तो आप तो हर सुख फीके लगेंगे, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप उसको मतलब वो नहीं कर पाएंगे, उसको मान नहीं पाएंगे मतलब। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि शरीर के लिए टाइम देना है, और हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रह सकता है। अगर आपका बॉडी हेल्दी है तो ही उसमें हेल्दी माइंड रह सकता है। और इसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। कि मैंने एक जगह मैंने पढ़ा था कि राजगुरु थे, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव, हाँ, साथ में थे। तो राजगुरु एक बार एक्सरसाइज कर रहे थे, सुबह 8 बजे का टाइम था, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो जेलर आके उसको बोलता है, पागल तेरे को तो 11 बजे फांसी लगने वाली है और तू 8 बजे एक्सरसाइज कर रहा है, तेरे को याद है ना तेरे पास फांसी है करके? तो बोलते हाँ मुझे याद है, लेकिन फांसी तो 11 बजे है, ये तो मेरा रोज का रूटीन है जो मैं कैसे तोड़ू। फांसी से 3 घंटा पहले भी उसका माइंड इतना शांत है, हाँ, कि वो अपना रेगुलर काम कर रहे हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए तो उनका नाम इतिहास में है ना, आप समझे, इसीलिए तो उनका नाम इतिहास में है। तो कम से कम आपको बॉडी के लिए मेरे हिसाब से कम 45 मिनट्स का भी बॉडी का टाइम रोज का कम से कम देना है। जो एक हैबिट है, मैंने जितने भी अच्छे बड़े ट्रेडर देखे हैं वो बिना बॉडी को टाइम दिए आगे नहीं बढ़ते हैं सुबह में। तो ये एक चीज, ये एक हैबिट है जो आपको कल्टीवेट करने पड़ेगी आपकी लाइफ के अंदर। कुछ भी करो, आप साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, योगा करो, कुछ भी करो, वॉक करो, वॉट एवर द थिंग्स, के आपको पसीना निकले, या पानी में निकालो या जमीन पे निकालो तो पसीना निकलना चाहिए आपका। तो वो चीज आपको करनी है एटलीस्ट कम से कम 45 मिनट्स के आजू बाजू में। अभी
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो टाइम देना है हमारे माइंड को। अभी क्या है, सब बोलते हैं कि माइंड को टाइम देना है, लेकिन कैसे देना है, किस तरह देना है वो नहीं मालूम है। तो सबसे पहले तो हमको हमारा जो दिन की शुरुआत है वो उसमें हमारा माइंड को खाली कर देना, न्यूट्रल शुरुआत होनी चाहिए हमारे। अच्छा, जैसे किसी भी गाड़ी को अगर आपको स्टार्ट करना है ना तो आपको न्यूट्रल में डालना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी चालू नहीं होगी आपकी। या तो आगे जाएगी या उछलेगी या कुछ भी करेगी, बिना न्यूट्रल में गाड़ी स्मूथ चालू है तो आपको आपकी लाइफ की गाड़ी भी आपके माइंड को न्यूट्रल में डाल के ही चालू करनी। तो कैसे डालेंगे आप न्यूट्रल में? तो मेरा खुद का मतलब मैं माइंड दो चीज से न्यूट्रल में आता है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं ध्यान के लिए मैं ध्यान करता हूँ, जिसमें मैं विपासना मेडिटेशन की जो टेक्निक है उसका उपयोग करता हूँ, और फिजिकल एक्सरसाइज के लिए मतलब बॉडी की एक्सरसाइज के लिए मैं स्विमिंग करता हूँ। तो अगर समझो किसी ने विपासना नहीं भी की है और वो चाहता है कि नहीं मुझे भी माइंड पे काम करना है, तो शुरुआत कैसे की जाए? क्या करूं? चलो मुझे तो विपासना नहीं आती, विपासना के लिए कम से कम 10 दिन लगता है आपको, लेकिन फिर भी कोई बोलता है कि नहीं चलो मैं कैसे करूं? या तो फिर आपके पास कोई टेक्निक है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि विपासना करो या कुछ भी करो, आप माला गिन रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको एनालाइज करना है कि वो करने से आपका माइंड जीरो पे आ गया है। मतलब कल आप प्रॉफिट किया, लॉस किया, आपके माइंड में नहीं, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपके माइंड में नहीं है। सो आप एकदम न्यूट्रल हो, आप अभी जीरो से चालू कर रहे हो, आप कुछ भी करो वो मायने नहीं रखता है कि आप क्या करो, लेकिन वो चीज से आपका माइंड न्यूट्रल में आना चाहिए। और अगर अगर समझो अगर मैं कोई सजेशन आपको देना चाहूं तो मैं आपको बोल सकता हूं कि यूट्यूब पे श्री गोयनका जी के अनापान के वीडियोस हैं। अनापान चीज क्या है कि एक सांस को सिर्फ देखना है, वो 10 मिनट के भी है, 20 मिनट के भी है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, या तो फिर आप जो भी ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपको एनालाइज करना है कि आपका माइंड जीरो पे आना चाहिए, न्यूट्रल पे आना चाहिए, जीरो पे आना चाहिए, शांत हो जाना। मतलब कल की लॉस भी हुई है तो भी चिंता नहीं है, आप ऑफिस जीरो पे हो, प्रॉफिट हुई है, किसी ने कुछ बोला है, न द्वेष है, न राग है, कुछ भी नहीं है, आप एकदम ईस पे हो, आप एकदम जीरो पे, माइंड ऐसा होना चाहिए कि आप एकदम जीरो पे हो। मुझे एक घटना याद है, एक जैन साधु थे, जापानीज था, जापान में एक बार वो ध्यान सबसे करवा रहे थे, मतलब उसके शिष्य और वो बैठ के ध्यान कर रहे थे, तो ऑल ऑफ सडन भूकंप आता है, वो सब लोग भागने लगते हैं, एकदम भगदड़ मच जाती है और सब लोग जमीन में जाने की कोशिश करते हैं और भागते रहते हैं। 15-20 मिनट हो गया और सब सेटल हो जाता है, वापस नॉर्मल हो जाता है और सब लोग वापस आते हैं और देखते हैं कि अभी भी जो गुरु है वो ध्यान कर रहे हैं, अभी भी बैठे हैं। अच्छा, सरप्राइज होते हैं, उसको पूछते हैं कि उठाते हैं, बोलते हैं कि क्या आपको मालूम नहीं धरती का माया था करके? तो बोले मुझे मालूम है, लेकिन मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां कुछ हिलता ही नहीं, तो शेयर बजार में रोज धरती कम आएंगे, भूकंप आते रहते हैं, चढ़ाव उतार होते रहेगा, लेकिन हमको हमारे माइंड को वो जगह पे लेके जाना है जहां कुछ हिले ही नहीं, हम लोग शांति से बैठे रहे और वो स्टेज में के हम लोग वो मार्केट का रियल पिक्चर देख पाएंगे और उसमें इतनी आसानी से काम कर पाएंगे जैसे पानी बहता है उस तरह से हम दे पाएंगे। सो बेसिकली सब चीजें है माइंड को आपको किस तरह से शांत रखना है। अगर समझो आपको अच्छा माली जो होता है,
चवानी जो होता है वो क्या करता है, वो डाली पे, फल पे, फूल पे ध्यान नहीं देता है, वो ध्यान देता है जड़ों के ऊपर, रूट के ऊपर। उसमें पानी डालता है, उसमें फर्टिलाइजर डालता है, उसके बराबर सूर्य प्रकाश देता है, मतलब इस तरह से वो मुआवजत करता है कि वो सब तो बाय प्रोडक्ट है, फल आएंगे अपने आप, फूल आएंगे अपने आप, वो अपने आप आएंगे। वैसे ही सफलता, पैसा, वो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आएंगे। आप काम कहां पे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, आप माइंड पे काम करो अपने आप आएगी, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमको काम कहां पे करना चाहिए। जब आपका मन शांत होता है क्या होता है, आप रियल पिक्चर देख सकते हो मार्केट का। समझो कि एक अंधेरी रात है और उसमें चंद्र का प्रतिबिंब एक शांत झील है उसमें पड़ रहा है, तो आप देखेंगे एकदम क्लियर चंद्र दिख रहा है आपको, उसके अंदर चांद एकदम क्लियर दिख रहा है, जैसे आसमान जमीन पर उतरा है ऐसा लग रहा है आपको। लेकिन जैसे ही उसमें आपने कंकड़ डाला तो क्या हो गया, वो प्रतिबिंब धुंधला हो गया, आपको कुछ दिखेगा नहीं। वैसे ही आपके मन के अंदर अगर फियर है, ग्रीड है, एंग्जाइटी है, ये सब पत्थर पड़े हैं, तो ये चीज को आप बराबर विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, शेयर मार्केट के पिक्चर को आप बराबर नहीं देख पाएंगे, मालूम नहीं आएगा। और बहुत बार क्या होगा कि खत्म होने के बाद में आप देखेंगे, अरे ये ट्रेड तो मैंने किया ही नहीं, ये तो आ गया था, अरे मुझे सेल का सिग्नल तो आ गया था, मैंने क्यों बेचा नहीं। तभी मालूम पड़ेगा जब आपका मन शांत होगा तभी, लेकिन चालू मार्केट में नहीं मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका मन तभी एंग्जाइटी है, आपको डर है, तो आपको रियल पिक्चर देखना है तो मन को शांत करना, नहीं तो आप उसको रियल पिक्चर नहीं देख पाएंगे आप उसके ऊपर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज है कि वर्तमान में रहना है, नाउ मोमेंट। मतलब सोचना नहीं है कि मार्केट यहां से एकदम बढ़ जाएगा या गिर जाएगा, अभी क्या है वो सोचो, आप सिर्फ ये मोमेंट में क्या चल रहा है ना, वही आपको देखना है। ये मोमेंट के आगे जाना नहीं है ना, ये मोमेंट के पीछे जाना है, तभी आपकी कंपनी का नाम मोमेंट इन्वेस्टमेंट। यस, इसके लिए मोमेंट इन्वेस्टमेंट नाम रखा हुआ है, ये मोमेंट में रहना है आपको। और क्या हो जाता है, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जो कर्नल होते हैं ना, लड़ते रहते हैं जंग में, वो हमेशा अपनी पिछली लड़ाई लड़ते हैं, जो उसने लास्ट लड़ाई में किया था वो याद रहता है उनको कि मैंने ये किया था, वो किया था। और ट्रेडर जो होते हैं ना, वो अपने पिछले ट्रेड से लड़ रहे होते हैं हमेशा, करंट ट्रेड करते हैं लेकिन वो पिछला प्रॉफिट माइंड में होता है, पिछला लॉस माइंड में होता है। अगर लॉस है तो वो जल्दी प्रॉफिट कर लेते हैं, प्रॉफिट है तो वो डबल ट्रेड कर लेते हैं। तो जब तक आप पिछली मोमेंट को काटोगे नहीं, तब तक क्या होगा, आप जो रियल ट्रेडिंग है वो नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, कुछ चीजें हैं कि आप कैसे ये मोमेंट में आ सकते हो। जिंदगी भी ऐसे ही होता है, हाँ, ये हमारे साथ कोई घटना हुई, अच्छी हुई या बुरी हुई, समझो बुरी हुई, तो हमको वो याद रहती है और हम भूल नहीं पाते। उससे रिलेटेड कुछ भी होता है तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं, नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, हाँ, और पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं कि हमारे साथ अच्छा हुआ। अच्छा, तो हम लोग को ये मोमेंट में रहना है, और ये मोमेंट में कैसे रहा जाए, समझो ये मोमेंट में रहना है मैंने बोल दिया, लेकिन कैसे, क्या तरीका है, वो है कैसे, प्रॉब्लम तो मालूम है, सॉल्यूशन क्या है कि ये मोमेंट में मैं कैसे रहूं। कुछ तरीके हैं जिससे आप ये मोमेंट में रह सकते हो। जैसे आप सांस को देखो, देखो मतलब आंख बंद करो और महसूस करो सांस आ रही है जा रही है, तो आप तुरंत ही ये मोमेंट में आ गए। ये मोमेंट मतलब क्या कि सांस चल रही है वो सच्चाई है और आप सच्चाई का अनुभव कर रहे हो, तो आप ये मोमेंट में, भले वो ये मोमेंट भले कुछ पलों की है, भले आपने 2 सेकंड भी वो मोमेंट में आए या 4 सेकंड भी आए, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होंगे। अगर आप कुछ समय के बाद अगर आंख बंद करके सिर्फ देखे एक 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, आधी मिनट, 1 मिनट, सिर्फ देखे सांस आ रही है जा रही है बस। पुराने जमाने में बोलते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य का दर्शन करो तो ईश्वर है,
सांस चल रही है वो सत्य है, आप उसके दर्शन कर रहे हो वो ईश्वर हो गया, सत्य ही ईश्वर है, अपने सत्य का साक्षात्कार कर लिया। तो इट इज एज गुड एज ये सत्य ही ईश्वर है, मतलब आप डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ गए, आप वर्तमान में आ गए, और वर्तमान में आने से माइंड का पावर इतना बढ़, सबसे पावरफुल माइंड जो होता है ना वो वर्तमान में, तो क्या होता है कि ये एक चीज है कि जिससे आप वर्तमान में आ सकते हो। दूसरा एक तरीका है कि आप अपनी बॉडी की अंदर की संवेदनाओं को महसूस कर सकते, लेकिन ये चीज सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ये तो जिन्होंने विपासना की है वो इनको जान सकते हैं। बॉडी की संवेदना क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है वो हर सेकंड मर रहे हैं, नए पैदा जन्म रहे हैं, हम छोटे से बड़े हुए हैं, तो सेल्स ने काम किया है, सेल्स मरे जन्मे तब जाके हम छोटे से बड़े हुए। हम विपासना से हमारे माइंड को इतना शार्प कर सकते हैं कि वो संवेदना को महसूस कर सकते हैं, तो क्या होता है हम परिवर्तन जो हो रहा है उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका है जिससे आप वर्तमान में आ सकते हैं। उसके बाद क्या है तरीका कि आप आपका बॉडी का मूवमेंट है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा हाथ हिल रहा है तो मैं अवेयर हूं कि मेरा हाथ हिल रहा है, मैं अगर पानी पी रहा हूं तो मैं अवेयर हूं कि पानी यहां से जा रहा है, छोटी छोटी चीजों में आप अवेयर हो जाओ, आप समझो गर्म चीज पी रहे हो तो आपको यहाँ पर गर्म लग रहा है, छोटी छोटी चीजों में आप बॉडीली मूवमेंट में उसमें आप अवेयर हो जाते हो, तो वो भी एक तरीका है। करंट फैक्ट ये है कि हाँ, हो रहा है तो आप तुरंत वर्तमान में आ गए, आप तुरंत नाउ मूवमेंट में आ गए। तो कुछ तरीके हैं कि जिसमें से आपको जो पकड़ में आए वो टाइम के ऊपर, समझो सांस पकड़ में आ गए तो सांस को लेके चल जाओ, आपको अचानक आप पी रहे हो कुछ तो वो पकड़ में आ गए तो वो ले लो। तो क्या होता है कि आपके वर्तमान में आने के कुछ कुछ क्षण बढ़ते जाएंगे, हमको उसको बढ़ाना है तो कुछ कुछ टाइम बढ़ता जाएगा आपका। और एक चीज है कि आप आपकी मन कौन सी स्थिति में फील करो, कि बहुत दुखी है, बहुत शांत है, बहुत खुश हूं, बहुत व्याकुल हूं, अब आपकी फीलिंग को फील करो, फीलिंग को फील करो, निराश हूं, बहुत खुश हूं, जो भी हो आप उसको फील करो, क्या हो बस उतना ही करना है, मतलब बुरा हुआ अच्छा हुआ कुछ एनालिसिस नहीं करना है बस। तो वो भी एक तरीका है क्या आपका अभी अभी क्या हो रहा है, अभी कभी कभी क्या होता है कि आप ये सब चीजों को पकड़ में नहीं आएगी, आप बहुत दुखी हो, दुख तो पकड़ में आएगा, आप बोले हाँ यार मेरा मन बहुत दुखी है, बस दर्द है, हाँ तो आप दर्द को पकड़ में आ जाएगा, ये दर्द है मुझे बहुत। एक बार आप मन में बोर भी, अभी बुद्ध का मुझे मालूम है वो क्या बोलते थे मालूम है आपको, जहां पे दर्द है ना अगर आप 3 बार बोल लो आंख बंद करके जो दर्द है वहां पे आप आपका मन को लेके जाके आप 3 बार बोलो दर्द दर्द दर्द, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया आपके मन को दर्द से तोड़ दिया। तो ये पावर है आपको नाउ मोमेंट में करंट मोमेंट में आने के। तो अगर आप जब भी आपकी फीलिंग के ऊपर आप ध्यान देते हो तो भी आप करंट मोमेंट में आ गए। ये सब चीज तरीके हैं कि करंट मोमेंट में नाउ मोमेंट में वर्तमान में कैसे आया जाए। और आपको न सिर्फ ट्रेडिंग स्क्रीन देखनी है, आपको अपने मन की स्क्रीन भी देखनी है, माइंड की स्क्रीन भी देखनी है कि उधर क्या चल रहा है, तो ही आप ट्रेडिंग स्क्रीन को बराबर देख पाएंगे, नहीं तो आप ट्रेडिंग स्क्रीन को बराबर देख नहीं पाएंगे। और एक चीज है कि अगर आप अपने विचारों को पकड़ सको क्या चल रहा है अभी विचार, और उसको थोड़ा सा बेक में ले जा सको कि शुरू कहां से होगा, अचानक आपने देखा कि ये विचार चल रहा है तो और एक बेक जाओ उसके पहले कौन सा था, उसके पहले कौन सा था, उसके पहले कौन सा था, तो बहुत बार तो आप उसके रूट को पकड़ ही नहीं पाएंगे, 2-3 मुश्किल से याद रहेंगे लेकिन कभी पकड़ लिया आपने उसको। तो ये भी एक तरीका है कि ये सब तरीके हैं कि जिससे आप प्रेजेंट में आ सको। तो पर्पस क्या है प्रेजेंट में आने से, माइंड सबसे पावरफुल प्रेजेंट में होता है, हमको ये सब चीज जो हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि हमको हमारे मन की ताकत को बढ़ाना है,
और मन की ताकत ही है कि जो जंगली हाथी को भी वश में कर सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो किसी से भी लड़ सकती है और वही आपको सफलता दिलाएगी। सफलता, पैसा, वो सब सेकेंडरी है, मन को आप मन पे काम करो तो ऑटोमेटिक आपका जो है वो आप उसके अंदर सक्सेस हो। तो ये जो तरीके थे है। अभी इतना सब आपने बताया कि हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, हमको मन पे काम करना चाहिए, पर हमारी डेली रूटीन ऐसी है, हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हम ऑलरेडी 10 कामों में लगे हुए हैं, फिर इसके लिए टाइम निकाले कैसे? मतलब एक घंटा आप बोले एक्सरसाइज करें, एक घंटा आप बोले कि मेडिटेशन या ऐसा कुछ करें जो मन पे काम करें, तो वो टाइम निकले कैसे एक आम आदमी के लिए? सही है आपकी बात। क्योंकि देखो कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ बोना पड़ता है। अच्छा, आपको क्या है, आप बोलेंगे कि इतना तो मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, अगर आप इतना भी टाइम और निकालूंगा तो मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी मैं प्रेशर में हूँ, ये प्रेशर कैसे बढ़ाओ? तो क्या आप बता सकते हो कि कोयले में और हीरे में फर्क क्या है? एक्चुअली अगर आप लेबोरेटरी में टेस्ट करो तो कोयले और हीरे का जो गुणधर्म है वो 100% सेम है। अच्छा, उसमें कोई कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मैच है वो। फर्क सिर्फ है कि कोयले के ऊपर वजन पड़ा, प्रेशर हुआ, तब जाके वो हीरा बना। तो अभी आप सोचो कि आपको कोयला रहना है या आपको हीरा बनना है, या आपको थोड़ा सा प्रेशर तो लेना पड़ेगा। अभी मात्रा जी की मैंने एक बात मुझे याद थी कि जो आदमी हर चीज के लिए टाइम निकालेगा उसका हर काम टाइम पे होगा, उसकी हर चीज जो है टाइम पे होगी। उन्हीं के लेक्चर में सुना था कि लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, उन्होंने बताया कि आपके पास वेब सीरीज देखने का टाइम है, आपके पास मूवीज देखने का टाइम है, आपके पास मैचेस देखने का टाइम है, आपके पास हर वो चीज करने का टाइम है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके बिना आपकी लाइफ चल सकती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो करने का टाइम नहीं है आपके पास। अभी समझो मैं आपको बोल दूं कि कल अमिताभ बच्चन से आपका इंटरव्यू कराता हूँ 1:1, आप बोलेगा हाँ टाइम निकल जाएगा। हाँ। मैं आपको बोलता हूँ कि चलो मैं आपका डायरेक्ट इंटरव्यू भगवान से कराता हूँ तो टाइम नहीं है, अब मेडिटेशन करो आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा। अब समझे, तो टाइम नहीं है आपके पास। अभी जैसे आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, इतने व्यस्त कार्यक्रम में से भी वो कम से कम 45 मिनट योगा में निकालते हैं, उनको तो टाइम का सबसे ज्यादा कॉन्स्टेंट होना चाहिए, फिर भी वो निकालते हैं। चलो मानते हैं कि एक साथ में हम लोगों को आप बोलते हो कि डिफिकल्ट है एक घंटा निकालना, दो घंटा, तो आप ऐसा नहीं है कि कल से आप एक घंटा चालू कर दो, नक्की करो कि चलो 10 मिनट निकालूंगा रोज, एक 10 मिनट की आनापान करूंगा, 10 मिनट की किसी भी चीज में अपना जहां पे मैं माइंड न्यूट्रल कर सकूं वो एक्टिविटी करूंगा, 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, 10 मिनट 15 मिनट वॉक, उतनी टाइम से चालू करो। लेकिन इम्पोर्टेंट रूल क्या है? इम्पोर्टेंट रूल है 365 डे। 365 डे का आपको एक नियम बनाना है कि मैं कोई भी चीज करूंगा वो 365 डे के लिए करूंगा। चलो कभी कभी ऐसा होता है कि आप हार जाते हो, आपने 20-25 दिन किया और छूट गई किसी रीजन से, बीमार हो, कुछ हुआ, वांदा नहीं, वापस चालू करो। लड़ना किससे है? अपने आप से। जीतना किससे है? अपने आप से जीतना है। खुद ही अपने आप को बीट करो कि भाई लास्ट टाइम मेरा 20 दिन तक सब बराबर चला था ना, अभी वापस मैं चालू करूंगा 20 से आगे जाऊंगा, कि नया टारगेट है मेरा करूंगा। तो धीरे धीरे जिस दिन आप 365 पे पहुंच गए ना, उस दिन आपका पहला सक्सेस हुआ। तो हमेशा मैं कहता हूं युद्ध किसके विरुद्ध? एक युद्ध खुद के विरुद्ध, हमारे खुद के विरुद्ध युद्ध करना है। और जो पावर है कंटिन्यूटी का, जैसे बूंद बूंद है ना, वो पत्थर पे गिरेगी ना तो पत्थर को भी टूटना पड़ेगा, लेकिन रूल क्या है? कंटिन्यूस गिरने। जैसे अगर आप मंदिर की सीढ़ियों में जाओ तो जनरली वो सीढ़ियां जो है वो आपको पत्थर के चिन्ह मिलेंगे उसके ऊपर,
और वो पूरी साफ हो जाती है, घिस जाती है घिसे हुए रहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोग बहुत टाइम से चल रहे हैं, एक बात बन गया होगा, एक बात बन गया होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको एवरीडे करना है, उसको ब्रेक नहीं करना है, नहीं तो क्या पत्थर आपने मेहनत की, बूंद बूंद गिरते रही, पत्थर टूटने की तैयारी में है, बूंद बंद हो गई तो पत्थर वापस कठोर हो जाएगा, बस वापस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आपकी वापस मेहनत देखा, वापस आपको वापस से चालू करना पड़ेगा। तो जो कंटिन्यूटी का इम्पोर्टेंट है वो ये है, और मैंने खुद की लाइफ में भी है ना इसका एक्सपीरियंस किया कि छोटी छोटी शुरुआत करने के बाद में आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप उसको रेगुलर करो। जैसे मैंने नक्की किया कि मुझे स्विमिंग करना है, तो मैंने शुरुआत की, शुरुआत में तो एक छोटा राउंड होता है स्विमिंग का, 30 मीटर का 25 मीटर का राउंड होता है, वो एक पूरा करने में मुझे 2 बार 3 बार खड़े होना पड़ता था बीच, तब जाके वो कंप्लीट होता था। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 लास्ट दिसंबर में ये नौबत आई कि मैं ओपन वाटर स्विमिंग गेटवे ऑफ इंडिया में 1 किलोमीटर तैर के आया। तो मेरे को, मुझे मालूम है कंटिन्यूटी का पावर क्या है, एवरी डे आप से तो 20 मीटर नहीं होता है, किसी से भी होगा 1 किलोमीटर नहीं, किसी से भी आप भी कर लो ना चालू, आप शायद मेरे से भी फायदा, प्रोवाइडेड कंटिन्यू होना चाहिए, और बूंद बूंद रोज गिरनी चाहिए, कोई भी पत्थर को तोड़ सकती है, कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए उसकी लाइफ में, तो वो कुछ भी कर सकता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, और एक हैबिट्स है, और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे एक टीम वर्क होता है, एक ग्रुप होता है, आपका किसी के संपर्क में आना होता है, कि आप कौन से आदमी के संपर्क में आ रहे हो, उसका बहुत महत्व है लाइफ के, आप किसके साथ उठ रहे बैठ रहे हो, आपकी कौन सी कमी है, आप अगर नेगेटिव न्यूज देख रहे हो तो बंद कर दो, तुरंत ही बंद कर दो, अगर आप नेगेटिव न्यूज पढ़ रहे हो तो पेपर को पलटी कर दो, सॉरी, अगर आप कोई फ्रेंड है आपका और नेगेटिव बात कर रहा है तो आप निकल जाओ वहां से, नेगेटिव आदमी के बाजू में खड़े ही मत हो, क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि बहुत ताकत होती है ऐसे ग्रुप में, ऐसी एक्टिविटी में, कि जो आपको पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रोड्यूस करे, जो पॉजिटिव एनर्जी आपको जनरेट करे। अगर समझो मैं मेरे एग्जांपल देता हूँ कि मैं स्विमिंग में के 1 किलोमीटर क्यों तैरा, क्योंकि मेरा जो ग्रुप मैंने बनाया था वो सब लोग 10-10 किलोमीटर तैरते थे, तो मेरे मुझे क्या होया कि नहीं यार वो लोग इतना तैरते तो मैं भी तैर सकता हूँ। तो हमेशा अपने से ऊपर वाले आदमी को पकड़ो ग्रुप बनाने के लिए, जिसमें क्वालिटी भी आपसे ज्यादा है और आपसे भी अच्छी तरह वो डिसिप्लिन है, तो उसके आप गुण उसको फॉलो कर सको, उसके उसका एक मेरे को। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो केदार भाई ने बात की उन्होंने 1 किलोमीटर समुद्र में स्विमिंग किया है, तो एक चीज ये है कि 5 साल की उम्र में इनका एक पैर जो है वो कट गया था, वो एक ही पैर से उन्होंने, मतलब कि अभी तो उनका आर्टिफिशियल लेग है, बट एक ही पैर से उन्होंने 1 किलोमीटर की स्विमिंग की समुद्र में। कोई मायने नहीं रखता है आपका शरीर का कोई अंग है कि नहीं, आपका मन कंप्लीट होना चाहिए, शरीर टूटा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली यही मेरे माइंड में क्या है कि मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि आजू बाजू बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छा सराउंडिंग मिला, ताकि खुश करते करते यहाँ तक हम पहुँच सके। और एक चीज आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि कंपनी के बारे में क्या होती है, कंपनी आपकी ग्रुप, आप जिसके संपर्क में आते हो, संघ बोलते हैं जिसको, हाँ। तो जैसे बारिश की कोई बूंद गिरती है तो अगर वो आपके हाथ पे गिरती है तो वो पानी पीने लायक होता है, शुद्ध पानी है। अगर वो गटर में गिरती है तो आपके पैर धोने के भी काम में नहीं आएगी। अगर वो किसी ऐसे सरफेस पे गिरती है जो गर्म है एकदम, वो भाप बन जाएगी। अगर वो कमल पे गिरती है तो मोतियों का जैसी चमकेगी, मोती चमकेगी। अगर वो चीप में गिरती है तो वो मोती बन जाएगी। बूंद तो वही है लेकिन वो किसके संपर्क में आती है उससे उसका मूल्य बढ़ता है। संग किसके साथ, किसके संपर्क में आती है उससे उसका मूल्य बढ़ता है। तो हमेशा अपने आजू बाजू
ऐसा अस्तित्व, मतलब ऐसा संपर्क बनाए रखो, ऐसा कंपनी बनाए रखो कि जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको पॉजिटिविटी दे, जो नेगेटिविटी से दूर करे, तो हमेशा ऐसी कंपनी में रहना चाहिए। और अगर आपको जो आउटपुट चाहिए उसके लिए आपको इनपुट डालना जरूरी है। अगर आपको आम चाहिए तो आपको केरी के बीज डालने पड़ेंगे तो आम मिलेगा, बिना इनपुट के तो नहीं मिलेगा। तो जैसे अगर आपको माइंड के ऊपर काम करना है तो कुछ ना कुछ इनपुट डालते रहो रोज, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियोस देखो, उसकी बुकें पढ़ो और कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, वो ये सब चीजें जो बताई गई है, अगर इसमें से अपनी हैबिट्स डेवलप करने की कोशिश करो कि क्या हैबिट बनाओ कि मैं किस तरह से इसको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करूं, और जैसे जैसे आप थोड़ा सा भी आप ट्राई करेंगे और उससे जो आपको अनुभव, उसके जो रिजल्ट मिलेंगे, सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, हर जगह पे, तो ऑटोमेटिक आपका टाइम बढ़ता जाएगा। एक शुरुआत तो करो, आप देखो छोटी सी चीज से शुरुआत करो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगेन 365, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 365 है। जैसे बहुत लोगों को मालूम है कि जैसे आपका टाइम, अभी देखो बहुत लोगों को मैंने देखा है वो कितना डोनेशन करते हैं, उसको मालूम है डोनेशन का रूल क्या है, जितना देंगे उतना वापस आ जाएगा, तो ये ज्यादा आ जाएगा। तो ये सब चीजें वैसी है कि जितना आप करोगे उतना रिजल्ट आएगा, आप और करोगे और रिजल्ट आएगा और करोगे। तो बेसिकली ये सब चीजें अपने लाइफ में आपको उतारनी जरूरी है बहुत ही। हमने बहुत सारी बात की अभी यहाँ पे, आपने क्वेश्चन पूछे ट्रेडिंग के बारे में, सक्सेस के बारे में, क्या हैबिट्स होनी चाहिए सक्सेसफुल ट्रेडर की। लेकिन मैंने बहुत लोगों से मैं डिबेट करता हूँ, बातचीत करता हूँ, लेकिन कोई मुझे ये नहीं पूछता है कि सक्सेस मतलब क्या। सक्सेस मतलब क्या है कोई नहीं पूछता है। सक्सेस मतलब लोग मानते हैं कि आप पोजीशन अच्छी हो आपकी, या आपके पैसा हो, या आपके पास बड़ा घर हो, या गाड़ी हो, नाम हो, तो सब सक्सेस की व्याख्या सबकी ये है। एक्चुअली मेरे हिसाब से मैंने एक सक्सेस की व्याख्या जो की है वो ये है कि आप जीत रहे हो या आप हार रहे हो, आप सुख में हो कि आप दुख में, आप कोई भी कंडीशन में हो, आप अनअफेक्टेड हो, आप एट ईज हो, आप एक रिलैक्स हो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहने वाली। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल इसका मैं देना चाहता हूँ, जो मैंने स्वामी ज्ञान वत्सल का एक वीडियो देखा था जिसमें उसने टाटा के बारे में बात की थी। तो उन्होंने बताया था कि जब वो अपना 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था, जब आतंकवादियों ने टाच पे हमला किया था, तभी बहुत लोग मर गए थे। तो वो फुटपाथ पे एक गरीब आदमी की, गरीब भिखारी था, उसकी लड़की को भी गोली लगी। तो टाटा ने उनका ऑपरेशन करवाया, बहुत सारा खर्चा हुआ, फॉरेंसिक डॉक्टर मंगवाया और उसको ठीक किया। अब देखिए कि अगर आप पे इतनी बड़ी विपदा आ रही है फिर भी आप वो चीज कर सकते हो, कितना बैलेंस ऑफ माइंड है। फिर भी तुरंत उनको वहां डिसीजन लेना है। उसी दिन शाम को उन्होंने मीटिंग बुलाई, पूछते हैं कि कितना नुकसान हुआ हमारा। तो सब लोगों ने बोला कि भाई एग्जांपल 400 करोड़ का नुकसान हुआ। तो बोले एक काम करो, 800 करोड़ का फंड निकालो। बोला 800 करोड़ का क्यों फंड निकालो? बोला जो आदमी लोग आज मरे हुए हैं, लाइफ टाइम उनके घर में ये जो सैलरी, लास्ट सैलरी है, वो चालू रहेगी जब तक उनका बेटा कुछ बन के नहीं आता है, या तो फिर उनको बेटे को बिना बिना कोई डिग्री पे या जॉब मिल जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो ह्यूमन वैल्यूज जिसको बोलते हैं आप, कि उन्होंने मैक्सिमम फ्यूनरल जो जो आदमी मर गए थे उसके अटेंड किए। सी ये सब क्यों बता रहे हैं, टाइम कहां से निकाला, टाइम कहां से निकाला, हाँ कैसे आप, सी ये क्या है, ये है बैलेंस ऑफ माइंड। आपका माइंड कोई भी सिचुएशन है, आपके यहाँ पे इतने आदमी मर गए, आपकी प्रेस्टेज डाउन हो गई है, आपको इतना नुकसान हुआ है, फिर भी आप अनअफेक्टेड, और अनअफेक्टेड आदमी जो होता है ना वो सही डिसीजन ले सकता है और राइट डिसीजन ले सकता है हमेशा। सो हमारा हमारा जो है मेन मकसद क्या है, साइकोलॉजी मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब क्या, साइकोलॉजी मतलब के माइंड को वो स्थिति में लाना है जहाँ पे वो ईज है, जहाँ पे वो शांत हो, बाकी सब अपने आप होगा, बाकी सब बाय प्रोडक्ट है। सक्सेस अपने आप आएगा, पैसा अपने आप आएगा, आप उसके पीछे मत भागो। आप जैसे मैंने एक वो थ्री इडियट में डायलॉग सुना है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो।
एक्सेलेंस बनोगे तो सबसे दख मार के आते हैं। तो माइंड पे काम करना है, ये साइकोलॉजी ये है कि किस तरह से माइंड पे काम किया जाए। और माइंड पे काम कीजिए, मैं चाहता हूँ कि हर आदमी जो ये सेमिनार अटेंड कर रहा है वो माइंड पे काम करे और जो वो चाहता है अपने जिंदगी में सुख सुविधा सब उसको मिले और उसकी लाइफ बेहतर रहे और वो खुश रहे। इट वाज लाइक ये तो मतलब आई थिंक बहुत ही अच्छा व्याख्या दी है आपने पूरे सक्सेस की और ट्रेडिंग की। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि कुछ किसी लोगों ने कुछ पूछा है। ट्रेडिंग के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, किसी लोगों ने ट्रेडिंग के बारे में हेज फंड के बारे में पूछा, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे इस वेबिनार में। मयंक जैन पूछ रहे हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है तो कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा है। ठीक है, ये सब हम इस सेमिनार में नहीं बोलने वाले। बोलना चाहता हूँ इसके बारे में भी कि अगर बहुत सारा ऐसा होता है कि मैंने देखा है प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में भी है फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अगर 70% के आपके सौदे राइट हो रहे हैं फिर भी आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है बिकॉज उनका मनी मैनेजमेंट इतना पावरफुल नहीं। सो अगर प्रॉफिट छोटे छोटे हैं लॉस बड़े हैं तो कौन से स्टाइल पे आप काम करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे मनी मैनेजमेंट कर रहे हो। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी लो भी है और आपकी एज पावरफुल है तो आप सक्सेस हो सकते हैं। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बड़ा है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये सेमिनार सीएफडी पे नहीं है तो वी नॉट डिस्कस ऑन दैट। विपिन जी बोल रहे हैं कि नो सर, इवन 12th फेल कैन सक्सीड इन मार्केट एंड अ पर्सन विद ग्रेट नॉलेज इन फाइनेंस लाइक सीए कैन आल्सो फेल। यस एग्जैक्टली, इसमें 100% बट इसकी ब्यूटी क्या है वही है कि कोई भी आदमी इसके अंदर सक्सेस हो सकता है जो अपने माइंड पे काम करेगा। श्वेता पूछ रही है कि कैन यू प्लीज मेंशन व्हिच हैबिट्स अ पर्सन शुड अडॉप्ट टू बिकम अ गुड ट्रेडर। ये हमने ऑलरेडी बताया। हां ओके, अब इनका रिस्क वर्ड इशू एंड होल्ड योर ट्रेड्स फॉर एंटरिंग टिल टारगेट डजंट मैटर यू हैव टू एग्जिट स्टॉप लॉस। ये हम ट्रेडिंग के बात नहीं कर रहे हैं। प्रवीण शाह बोल रहे हैं जीतने की आदत डालो, डीप थॉट वेरी वेल एक्सप्लेन। अजीत जी बोल रहे हैं वन हु विंस ओवर हिमसेल्फ कैन विन ओवर एवरीवन, नाइसली एक्सप्लेन इन लेमेंस लैंग्वेज विद ग्रेट एनालॉजीज। उषा जी बोले इम्पेकेबल विद वर्ड्स। विवेक बोल रहे हैं जेम्स एंड पर्ल्स ऑफ विजडम। विवेक बोल रहे हैं अगर आपके पास शरीर का सुख है सुख नहीं है तो आप मर्सिडीज में भी बैठे हो तो एंजॉय नहीं कर पाओगे बराबर। विकास जी पूछे इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। हाँ विकास जी, इसका रिकॉर्डेड मिलेगा, वीडियो 2-3 दिन लगेंगे, हम इसको यूट्यूब पे डाल देंगे। आशुतोष जी बोल रहे हैं वाह क्या बात है, अच्छा माली फूल पर नई रूट्स पर ध्यान देता है, राइट। दिस अप्लाइज टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एज वेल। आशुतोष बोल रहे हैं वेरी नाइस सेमिनार, ज्वाइन फॉर लर्निंग ट्रेडिंग स्किल्स बट लर्निंग लाइफ स्किल्स which are more important and useful. Okay, Praveen Shah बोले सोशल मीडिया से दूर रहो, टाइम ही टाइम है, जैसे केतन भाई का सोशल मीडिया में कोई प्रेजेंस नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अवॉइड नेगेटिव स्टफ. इट्स ट्रूली एन इंस्पिरेशन. अपूर्वा सेठ बोल रहे हैं, दीपा बोल रही, हैट्स ऑफ टू माय डियर फ्रेंड केतन. मनीष चक्कर बोले, कैन नॉट ब्लेम एनीवन एक्सेप्ट योर ओन सेल्फ. यस, वी शेयर द रिकॉर्डेड वीडियो. वर्ड अबाउट मोमेंट इन्वेस्टमेंट, आई थिंक हम उस पर अभी बात नहीं करेंगे. आप पर्सनली केतन भाई से बात कर सकते कभी भी. शिरीन पाल बोल रहे हैं, थैंक्स केतन भाई फॉर वैल्यूएबल इनपुट्स. आई हैव टू क्वेश्चंस. वन, इफ यू हैव टू नेम वन थिंग विच इज मोस्ट हार्मफुल थिंग फॉर माई ट्रेडिंग इज वॉट इट वुड बी. सबसे हार्मफुल चीज क्या है, सबसे नुकसानदेह? सबसे नुकसानदेह चीज मैं बोलूंगा कि एक तो आपका मनी मैनेजमेंट बहुत पावरफुल होना चाहिए इसके अंदर. मतलब जो आपने तय किया है स्टॉप लॉस वगैरह, मतलब जो मनी मैनेजमेंट की बात आ जाती है वही. और दूसरी सबसे हार्मफुल चीज ये है कि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उससे हार्मफुल चीज कुछ भी नहीं है. क्योंकि आप कितना भी तय करो, कितना भी मनी मैनेजमेंट के नियम बनाओ, वो सब नियम धरे के धरे रह जाएंगे. क्योंकि मार्केट में ऐसा मूव आता है, उतना ऊपर चढ़ाव आता है, इतना अप डाउन. कि आप, मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा हुआ है कि हम लोग सोच के कुछ जाते हैं लेकिन सामने जाते हैं स्क्रीन के कुछ और कर देते हैं. तो बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज अगेन वही है कि हम अपने माइंड पे, हम लोगों को जो भी, जो दो मेन फैक्टर ड्राइव करते हैं मार्केट को, मतलब इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो या, उसके ऊपर हम लोगों को कंट्रोल करना है. सबसे हार्मफुल वही है. अगर फियर है और ग्रीड है, उससे ज्यादा हार्मफुल कोई चीज नहीं है. तो किसी भी ट्रेडिंग में अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल करते हो तो यू विल गेट द बेटर रिजल्ट. वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन. एक्चुअली क्या होना चाहिए, मैं मतलब मेरी बात करता हूँ, मैं ट्रेडिंग से पैसा बना के इन्वेस्ट करता हूँ. That is the best way to grow. मतलब ट्रेडिंग में जो आपको पैसा बना है. और हाँ, ये भी आपने पूछा, अच्छी चीज पूछी है कि ये जो है वो रेड एलियो है, उसने बहुत ब्यूटीफुल इसको, अगर आपको इसका थोड़ा इनडेप्थ जानना है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का क्या राइट मिक्सर होना चाहिए, तो आप थोड़ा रेड एलियो को आप पढ़ो. क्योंकि वो इज द वन ऑफ द बेस्ट हेज फंड मैनेजर, वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड. उसका आई थिंक है ना, वो क्या करता है, उसका कुछ 33% फंड जो है ना, मेरे ख्याल से बाकी का फंड उसने सेफ्टी में या अलग उसमें डाला हुआ है, मतलब ट्रेडिंग का पोर्शन उसका. तो क्या हो जाता है कि अगर वो 1/3 में सपोज 10% भी नुकसान करता है, तो उसका 3% नुकसान हुआ टोटल कैपिटल के ऊपर. और बैलेंस जो कैपिटल है उसमें अगर वो 5% भी प्रॉफिट करता है सपोज, तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो जीरो हो गया. अगर समझो कि 70% में, अगर समझो उसने 5% प्रॉफिट कमाया, उसने 70% जो है वो सेफ्टी में रखा सपोज उन्होंने, तो उसके ऊपर 3.5% मिले उसको. और अगर समझो 30% में उसका 10% गया, तो 3% गए, फिर भी वो 0.5% प्रॉफिट में है. और ट्रेडिंग में उसका जो प्रोबेबिलिटी है बहुत हाई है. मैंने कहीं पे पढ़ा था शायद, आई डोंट नो कि आई रिमेम्बर राइट और रॉन्ग, लेकिन उसका जो प्रोबेबिलिटी का रेशियो है वो इतना हाई है, वो 1:16 पे काम करता है. और अभी आपको मालूम होगा कि लास्ट जनवरी महीने में उसका एक ट्वीट आया था, मैंने पढ़ा था दिसंबर महीने में, उसने 1 करोड़ डाउ के फ्यूचर पुट बाय किए थे. आप देख लो, गूगल सर्च मार के आपको मिलेगा कि उन्होंने बराबर दिसंबर महीने में, और बाद में ये पब्लिश हुआ था, बाद में उन्होंने कुछ डिनाई वगैरह किया था, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये चीज आई थी कि उसने 1 करोड़ डाउ के पुट बाई किए दिसंबर 19 में, नवंबर या दिसंबर, वो भी मार्च के, और मार्च के पहले बहुत बड़ा फूल आ गया था. तो बेसिकली अगर आपको ये प्रोपोर्शनल जानना है तो आपको रेड एलियो को थोड़ा सा पढ़ना होगा, तो आपको बेटर होगा ये चीज. Just about how much is optimal?
ऑप्टिमल की तो जैसे मैंने बताया अभी रेड एलियो 1:16 पे काम, हाँ लेकिन अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो पॉल ट्विटर जोन्स 1:5 मतलब 5:1 पे काम करता है, वहां तक पहुंचना मुश्किल है, इज अ वेरी ग्रेट लीजेंडरी ट्रेडर, लेकिन अगर आप 3:1 तक पहुंचो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, अगर अगर एनीथिंग इवन अप टू 3:1 एनीथिंग अबाउट 3:1 इज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जैसे मैंने बताया पहले कि आपने 100 रुपया लगाए और आपने एक या दो ट्रेड ले लिया जिसमें 50 रुपये का नुकसान हो गया तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन आपने 100 रुपया लगाए है और आपको 50 पैसे का ही नुकसान हुआ है तो वो ज्यादा नहीं होगा आपके लिए। साइज मतलब आपको ज्यादा इसलिए लग रहा है कि आपने बेट बड़ी ली और आपने कहीं ना कहीं पे मिसमैच किया, मनी मैनेजमेंट नहीं किया, तो ही आपको लॉस ज्यादा लगेगा, अदरवाइज आई थिंक लॉस ज्यादा लगना मुश्किल है, मतलब अगर आप अगर मनी मैनेजमेंट बराबर कर रहे हो। उसके बाद कभी कभी 15-20-30 तक का भी कंसेक्यूटिव लॉसेस होने के बाद वजह से 15-20% भी या 30% भी कैपिटल का उड़ जाता है, तो वो टाइम में कैसे नहीं, लेकिन वो मुश्किल होगा क्योंकि अगर आप आपने अपनी एज डिफाइन की है तो वो अगर एज अच्छी है, आप देख रहे हो कि नहीं 10 में से मेरे 4 थोड़े सौदे तो राइट हो रहे हैं और जो 4 राइट हो रहे हैं उसमें मैं 2 रुपया कमाऊंगा और जो 6 रॉन्ग हो गए उसमें 1 रुपया घुमाऊंगा, तो भी क्या होगा आपको 8 रुपये मिलेंगे और 6 रुपया जाएगा आपका, फिर भी आप 2 रुपये प्लस में रहेंगे, तो अगर आप वो एज में काम नहीं कर सकते हो तो काम मत करो, एटलीस्ट आपको 1:1 में तो काम करना ही है अगर आपको सस्टेन होना है कि जब भी आप कमाओ तो एटलीस्ट 2 रुपया कमाओ, या तो फिर दूसरा भी तरीका है उसका कि आप आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ा दो, 70% कर दो, 80% कर दो, वो भी कर सकते हो। बहुत लोग ट्रेडर देखे हैं कि जो क्या करते हैं प्रॉफिट कम लेते हैं लॉस कम लेते हैं लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, वो 70% सक्सेस रेशियो होता है, 80% होता है। जैसे मैंने एक देखा है वैसा ट्रेडर, वो है ओलिवर है, वो ये इस पे काम करता है, उसका सक्सेस रेशियो जो है वो शायद 365 डे में से हार्डली 15 दिन लॉस करता है, ओके लेकिन बहुत कम में निकल जाता है प्रॉफिट में भी और लॉस में भी, तो क्या होता है उसका सक्सेस रेशियो ज्यादा है, इसके लिए वो कमा सकता है, सर्वाइव कर सकता है और कमा सकता है। अबुआ से बोल रहे हैं कि हाउ डू यू ओवरकम सेटबैक्स इन ट्रेडिंग एंड लाइफ, सिंपल स्टार्ट अगेन। But start again with the right mindset, with the right mindset, with the right money management, or neutral mindset. तो हुआ है सेटबैक, उसको बूट क्या करता है? देखो कोई छोटा बच्चा है ना, वो चलना कैसे सीखता है? वो गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, तब जाके चलता है। तो गिर के अगर भूल जाता है कि वो गिरा था, इतनी ज्यादा बहुत छोटी होती है, तो बस ये भूल जाओ आपके लॉस हुआ है और वापस चालू करो, छोटे कैपिटल से चालू करो लेकिन प्रॉपर चालू करो। Can you talk about your Vipassana practice and how what makes you go even every year for last 15 years? Actually, मैं simple बोलूँगा, ये melody ऐसा है, खाओ तो जानो। क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो I think मैं बोलूँगा एक बार आप चखो उसको। Some YouTube videos Ketan bhai mentioned, can you please ask him once again? Anapan ka jo. Yeah, exactly. Kya ek Sri Goenka ji ke video hai, Sri S.N. Satyanarayan Goenka ke, jo Anapan technique hai, jo Anapan technique bolte hai, jo kuch 10 minute ke hai, 20 minute ke hai, English mein bhi hai, Hindi mein bhi hai, aap usse try kar sakte ho, jisse aapko जो हम बोलते हैं कि माइंड को बैलेंस करने में बहुत फायदा होगा। हाँ वो हम यूट्यूब में डालेंगे इस वीडियो को। अजय शर्मा बोल रहे हैं, एज एल्गोस अवेलेबल फॉर रिटेलर्स नाउ, सो ट्रेडर्स लाइक मी अर्निंग 2% पर मंथ, इज एल्गो
बेनिफिशियल फॉर मी, हम एल्गो पे अभी बात नहीं कर रहे हैं इस वेबिनार पे. ओके तो मैं हाउ यू स्लीप हाउ मेनी आवर्स, सीमा पूछ रही है. आई एम स्लीपिंग अराउंड 5 to 6 आवर्स. रवि है पूछे हाउ मच इज अ रियलिस्टिक आरओआई ऑन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ट्रेडिंग. सी बेसिकली लीजेंडरी ट्रेडर को आप देखेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 25-30 ईयर के उसके जो आरओआई है वो 25-30% के बीच में है. और बहुत ट्रेडर ऐसे हैं कि जिन्होंने लास्ट 25 ईयर में एक भी सिंगल ईयर लॉस नहीं किया है और कंसिक्यूटिव 5-5 साल मोर देन 100% के रिटर्न दिए हुए हैं. सो इट इज डिपेंड अपॉन द ट्रेडर टू ट्रेडर, टेक्निक टू टेक्निक, बट दिस कैन बी अचीवेबल. अगर एक आदमी हिमालय चढ़ता है तो पूरी मनुष्य जाति चढ़ सकती है उसके ऊपर. तो अगर एक ने किया तो सब कर सकता है, इट इज पॉसिबल. विश्वाचार कह रहे हैं इट वाज वेरी सुपर मिस्टर मेहता, नॉट ओनली फॉर ट्रेडिंग और मार्केट रिलेटेड बट इट इज लाइफ लर्निंग लेसंस. नीमा वासा कह रहे हैं वेरी इंस्पिरेशनल, बेस्ट पार्ट आई लाइक्ड अबाउट द डेली हैबिट्स एंड डिसिप्लिन नेसेसरी फॉर सक्सेस. अंकित मिश्रा कह रहे हैं सर न्यू एज ट्रेडर्स या 6 मंथ ट्रेडर्स और जो न्यूबी हैं उनके लिए कुछ आखिरी बातें आपकी तरफ से. ट्रेडर के लिए यही बोलूंगा कि इनिशियली वो अपनी बेट को कम रखे, मतलब अपने जो स्टॉप लॉस है वो अपने जो कैपिटल अपने एक्चुअली साइड में रखिए, मेंटल कैपिटल नहीं, मेंटल कैपिटल से काम नहीं करना है. वो कैपिटल को एक्चुअली आपके बाकायदा आपके अकाउंट में रखना है और वो कैपिटल की 0.5% से ज्यादा की बेट मत लीजिए, उससे 0.5% जो नया ट्रेडर है उनके लिए. अल्केश पटेल बोल रहे हैं प्लीज इंट्रोड्यूस अबाउट अपकमिंग एल्गो कन्वेंशन. अल्केश एल्गो कन्वेंशन हिंदी में आ रहा है इस बार 7 फरवरी को. उसके टिकट्स अवेलेबल है algoconvention.hindi करके वेबसाइट है. मैं चाहिए तो लिंक डाल दूंगा इसमें चैट में, आप देख सकते हैं उसमें. वहां पे करीब 6 से 7 स्पीकर होंगे, 7 या 8 स्पीकर होंगे. इसमें से शुभम अग्रवाल एक स्पीकर हैं, शुभदीप नंदी एक स्पीकर हैं, विवेक गडोडिया एक स्पीकर हैं, देवांग जवेरी हैं और ज्योति बुदिया हैं और गौतम मजुमदार हैं. तो आप वेबसाइट पे पूरा डिटेल देख सकते हैं. प्रवीण जी ने यूट्यूब का वीडियो भी डाल दिया लिंक, रवि हिरानी ने भी डाल दिया है 10 मिनट का वीडियो का लिंक, और मैं हिंदी एल्गो कन्वेंशन का एक लिंक डाल देता हूँ. तो आप लोग को अगर इंटरेस्ट है तो हिंदी एल्गो कन्वेंशन आप देख सकते हैं. ये तो सारे क्वेश्चन हो गए. तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केतन भाई का, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, पूरे सारी ऑडियंस के लिए इतना बढ़िया हम लोग को बताया हैबिट्स क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए और लाइफ का लेसन दिया हम लोग. धन्यवाद केतन भाई. धन्यवाद. थैंक यू. पूरे दरनदी टीम की तरफ से धन्यवाद. मैं भी आप सबको धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. चलो हम एंड.